हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी पढ़ाने के लिए चैप्टर फोर बोल रहा था क्लास नाइन के पढ़ाओ। तो आप लोग को देखो, पहले छुट्टी नहीं मिलता है, 10, 11, 12 का पढ़ाना होता है, फिर शाम में 7:30 बजे पर डे लाइव आता है, छुट्टी नहीं मिलता है। तो आप लोग को हम कोशिश करते हैं कि जिस दिन हमको टाइम मिलता है उस दिन आपको एक चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आज चैप्टर फोर गया, चैप्टर फोर क्या हुआ, तो चैप्टर फोर समाप्त, ठीक है ना। तो चैप्टर फोर लेकर आ गए। आज आप लोग को पता है कि रामनवमी है और संडे भी है, तो छुट्टी मिला हुआ है। तो आप लोग का चैप्टर घीच देते हैं, चैप्टर फोर होगा ख़त्म, ठीक है ना। उसके बाद फिर जिस दिन टाइम मिलेगा फिर उस दिन तुम लोग का चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और अब ऐसा सोच रहे हैं कि तुम लोग को जो चैप्टर फोर तक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हो जाएगा, तो सबका क्वेश्चन आंसर भी करवाना स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, ठीक है ना। तो उसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग को कभी भी मिल जाएगा, लेकिन चैप्टर इला जब छुट्टी मिलता है तो हम आप लोग को पढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा मतलब शेयर करें, लाइक करें, ठीक है ना, और इस चैनल को बताएं अपने गांव में। और काफ़ी अच्छा पढ़ेंगे, सब क्लास में याद हो जाएगा, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, ट्रिक के साथ सब कुछ पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ वायरस का, वायरस से होने वाला लोग यानी विषाणु से होने वाला लोग, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला लोग, प्रोटोजोआ से होने वाला लोग, कृमि से होने वाला लोग, सब कुछ पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, सब कुछ यहीं याद हो जाएगा और चैप्टर फोर ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग शेयर करना, लाइक करना और इस चैनल को बताओ। तुम लोग को इसमें लगभग मेरा 1000 वीडियो पूरने वाला है, अभी तो मेरा 50,000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा, और हम कॉन्टेंट में कोई भी कमी ना है, लेकिन तुम लोग शेयर नहीं करता, लगता कोई जलता है देख के क्या कि शेयर कर देगा तो मेरा दोस्त लोग भी पढ़ लेगा। तो शेयर करें, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, जितना शेयर करते उतना मोटिवेट मिलते हैं। और कोई क्लास सामने ले रहे हैं, ठीक है ना, या आप ही लोग के लिए आए हैं, कोई क्लास ले रहे हैं, अभी बगल उगल में रामनवमी हो रहा है, लेकिन हम आप लोग के सामने आए बनाने के लिए, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी मानव के स्वास्थ्य के बारे में बात करना है, और फिर जितना तरह का रोग होता है हर रोग के बारे में बात करना है, ठीक है ना। तो पहले करते हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तो समझते हैं पहले स्वास्थ्य के बारे में, क्या समझते हैं, स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। आप लोग बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वस्थ ही धन है, स्वास्थ्य क्या है, धन है। अगर आप स्वस्थ ना हो तो जितना भी धन पड़ा हुआ है सब बेकार हो जाएगा। आप लोग को नोटिस करते हैं, सब लोग बीमार पड़ता है, बीमार पड़ने पर तो माथा एकदम ख़राब हो जाता है, ठीक है, लगता है कि मर जाना ही अच्छा है, जिस तरह लगता है। यानी स्वास्थ्य ही, यानी हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही क्या है, धन है। लेकिन आप बोले स्वास्थ्य कहेंगे किसे, सब कुछ याद करवा देंगे। तो समझना है, एक संस्था है, ठीक है ना, एक संस्था है जिसका नाम है WHO, याद कर लेना, इससे तुम लोग को SST में भी आता है क्वेश्चन और साइंस में भी आएगा, ठीक है ना। तो WHO क्या, एक संस्था है, ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड, H for Health, W for World, H for Health ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोल रहे हैं, एक संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व, वर्ल्ड मतलब विश्व, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है ना। और ये पूरा वर्ल्ड में क्या कहता है, स्वास्थ्य को मतलब निगरानी रखता है, कहाँ पर किस तरह मतलब बीमारी को नहीं फैल गया, नहीं कहाँ पर किस तरह स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ नहीं गया है ना, तो पूरा वर्ल्ड में निगरानी रखता है। कोरोना को भी महामारी घोषित करने वाला कौन था, यही था, ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट कर दिया पगलवा। तो यहाँ पर देखो, और इसका अगर बोले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO का स्थापना कब हुआ, स्थापना चलो बता देते हैं पहले, उसके बाद पहुँचते हैं। तो स्थापना इसका हुआ 7 अप्रैल, कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगर बोले इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या बोले, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड। आप लोग जानबे करते हैं कि सबका फेमस शहर है घूमने के लिए, ठीक है ना, टूरिस्ट के लिए, तो स्विट्ज़रलैंड के में एक शहर है जहाँ जनेवा, क्या है, जनेवा, वहीं इसका मुख्यालय है। और पूरा वर्ल्ड में ये निगरानी रखता है, तो सिंपल आप लोग को बताना है कि स्वास्थ्य की परिभाषा कौन दिया, स्वास्थ्य की परिभाषा यही दिया, तो लिखना है WHO के अनुसार, क्या बोल रहे हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा हम बता रहे हैं WHO के अनुसार बता रहे हैं, देखते हैं क्या परिभाषा का, परिभाषा पर लिख देते हैं उसका, आप लोग को काफ़ी अच्छा समझा देंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे वह स्थिति, क्या बोलेंगे, बोलेंगे वह स्थिति, ठीक है, जिसमें पूर्ण शारीरिक, ये बताएंगे, ठीक है ना, पूर्ण शारीरिक मानसिक, क्या बोलेंगे, मानसिक एवं सामाजिक समानता हो
हो, ठीक है ना, उसे ही बोलते हैं स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे ना की, ना की, ना की, केवल केवल, बीमारी बीमारी बीमारी, एवं पीड़ा 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 मतलब दर्द, पीड़ा का नो होना, नो होना। अब यहाँ समझो तुम लोग, डब्ल्यू एच ओ बोलता है, कितना लोग सुनेगा आप लोग के गाँव में, बोलेगा हो हमारा कोई बीमारी ना है, हमारा कोरोना वरोना होता है, हमारे शरीर में हम फौलाद के बना ले, क्या बोलता है, पूरा फौलाद के बना ले, हमारा कोई बीमारी ना है। तो वो शारीरिक रूप से क्या है, पूर्ण है। शारीरिक रूप से क्या है, पूर्ण है, यानी सारा शरीर में उसका कोई भी दर्द दर्द कष्ट उष्ट कुछ भी शरीर में ना है, कोई भी बीमारी नाम की कोई चीज़ ना है शरीर में, तो पूर्ण शारीरिक हुआ। लेकिन डब्ल्यू एच ओ बोलता है क्या, डब्ल्यू एच ओ कहना है कि खाली पूर्ण शारीरिक से ही स्वास्थ्य नहीं कहलाता है, स्वास्थ्य क्या है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक तो समझ रहा है, एकदम दिमाग में एकदम फ्री, तो कोई टेंशन ना हो, एकदम क्या पूरा फ्री हो, ठीक है, दिमाग में कोई तरह का टेंशन वगैरह ना हो। ये वो तो बहुत खतरनाक है मानसिक, पता है ना, आप लोग देखते होंगे कि चाहे कितनों भी करोड़पति हो जाए या कोई भी रहे, सबको कुछ ना कुछ टेंशन होता है, तो टेंशन बिल्कुल ना हो, टेंशन बिल्कुल ना हो। अगर आप लोग मान लो किसी से प्रेम करते हैं, हो गया ब्रेकअप, तो टेंशन हो जाएगा, हो गया मानसिक स्थिति, क्या हो गया, मानसिक स्थिति बीमारी हो गया, ठीक है ना, तो दिन भर सोच में पड़े हैं, ठीक है ना, तो वो क्या हुआ, मानसिक स्थिति हो गया, ठीक है ना, दिन भर परेशान है तो वो क्या हुआ, मानसिक स्थिति हुआ, क्या हुआ, मानसिक स्थिति हो गया, ठीक है ना। और इसी कारण देखते होंगे कि बहुत बहुत अमीर अमीर परिवार के लोग, ठीक है ना, एकदम पूरा एकदम कोई कमी ना है, पूरा एकदम मस्त जीवन जी रहा है, पूरा एकदम पैसा कोई कोई कमी ना है, लेकिन 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 मानसिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण देखते हैं कोई फांसी लगा लिया, कोई आग लगा लिया है, को जान दे दिया है, तो क्या है, मानसिक क्या है। तो डब्ल्यू एच ओ बोलता है शारीरिक रूप से स्वतंत्र ना है, शारीरिक रूप से तुम है तो शारीरिक रूप से तुम स्वस्थ है, इसका मतलब नहीं कि तुम पूरा स्वस्थ हो गया, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ऐसे आप लोग देखेंगे हाल फिलहाल में हमारे बिहार के आन बान शान जो अभी उभर रहे थे, कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, तो उसको शारीरिक रूप से तो फिट था ही था, पैसा कोई को भी कमी नहीं था, ठीक है ना, करोड़ों के रुपए के बिल्डिंग में रहता था, लेकिन 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 मानसिक स्थिति के कारण क्या हुआ था, फांसी लगा लिया। और अभी हम लोग के गांव में भी इस तरह की घटना घट गया है, ठीक है ना, तो ये काफ़ी खतरनाक है, तो पता चल जाता है, ये सब लोगों को पता चल जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं पढ़ पाता है, ठीक है ना, तो काफ़ी खतरनाक है। और सामाजिक संपन्नता हो, सामाजिक मतलब समझ रहा है, समाज में आपका आप जो है समाज में आप ऐसा नहीं लगे समाज में कि आप हीन भावना से देखे जा रहे हैं, समाज में आपको नहीं लगे कि आप नीचे हैं, आप हीन भावना से देखे जा रहे हैं, समाज में आप प्रत्येक दिन किसी से लड़ते ना रहे, झगड़ते ना रहे, ठीक है ना, समाज में आप जो है एक अच्छा स्टेटस हो, आप हीन भावना से ना देखा जाए, नीच भावना से ना देखा जाए, लगड़ते झगड़ते ना रहे, क्योंकि अगर समाज में आप हीन भावना से देखे जाएंगे, नीच भावना से देखे जाएंगे, लड़ते झगड़ते जाएंगे, तो क्या होगा, फिर आपको होगा क्या, टेंशन, क्या होगा, टेंशन, और टेंशन में होगा तो फिर जाएगा क्या, शरीर में तुम्हारा जाएगा बिगड़, तो फिर होगा बीमारी, क्या जाएगा, बीमारी। तो वही डब्ल्यू एच ओ बोलता है, डब्ल्यू एच ओ क्या बोलता है, बोलता है वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक शारीरिक पूर्ण शारीरिक कितना लोग शरीर से एकदम पूरा मस्त होता है, लेकिन दिमाग से उसका टेंशन ले लेते होता है, ठीक है ना, तो पूर्ण शारीरिक हो, पूर्ण मानसिक हो और पूर्ण सामाजिक संपन्नता हो, उसे ही बोलते हैं क्या, उसे ही बोलते हैं स्वास्थ्य। और यहाँ पर इसलिए लिख दिया है ना कि केवल बीमारी एवं पीड़ा, यही नहीं कि तुम्हारे शरीर में खाली बीमारी या पीड़ा ना है तो तुम अच्छा हो, स्वस्थ हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारा मानसिक रूप भी अच्छा होना चाहिए, दिन भर टेंशन नहीं होना चाहिए। आप किसी का देखो ब्रेकअप हो जाता है, एकदम डूबा हुआ है, चलते चलते यूं ही रुक जाते हैं हम, बैठे बैठे यो ही खो जाते हैं हम, क्या यही प्यार है, नहीं ये प्यार नहीं बीमारी है, चलते चलते रुक जाता है, यानी तुम थक गया, बीमारी है तुमको, अब बैठे बैठे खो जाता है, यानी मानसिक बीमारी हो गया तुमको, यानी ये क्या है, बीमारी, क्या है, बीमारी, समझ तुमको आ गया ना। तो वही लिखा है ना कि केवल बीमारी एवं पीड़ा का नो होना है, यानी खाली दोनों ना आए तो यानी इसका मतलब तुम स्वस्थ ना है, मानसिक और सामाजिक भी स्वतंत्र अति होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो आगे पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य का क्या पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे फिर क्या, तो अब पढ़ेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक, यानी स्वास्थ्य को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, अच्छे, अगला देखो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या बोल रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है ना। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पहला क्या है, संतुलित आहार, क्या जरूरी है, संतुलित आहार, क्या जरूरी है, संतुलित आहार। अब बोलेगा संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार मतलब होता है कि आहार मतलब होता है भोजन, आहार मतलब भोजन, तो वैसा भोजन करो जिसमें तुमको सब चीज़ मिल जाए, सभी पोषक तत्व मिल जाए, पोषक तत्व बोले तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, वसा मिल जाए, विटामिन मिल जाए, खनिज लवण मिल जाए, ठीक है ना, तो सभी पोषक तत्व तुमको मिल जाए, ऐसा नहीं कि खाली चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहा है, वो तो पहले संतुलित आहार है ही नहीं, चाउमीन पिज्जा बर्गर, ठीक है ना, मोमो चोमो ये सब जितना भी है चाइनीज़ फूड, ये तो पहले संतुलित आहार है ही नहीं, ठीक है ना,
नहीं तो और बीमारी पहुँचाता है, ठीक है ना। तो वैसा भजन करना है, इसमें क्या संतुलित आहार हो, सब पोषक तत्व विद्वान हो, ठीक है ना। तो संतुलित आहार मतलब क्या हुआ, संतुलित आहार मतलब वैसा भोजन जिसमें क्या हो तो जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हम लोग को एनर्जी देता है, ठीक है ना। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन हम लोग का शरीर को एकदम विशाल बनाता है, बॉडी बिल्डर बनाता है, टूटे फूटे कोशिका का मरम्मत करता है, ठीक है ना। वसा हम लोग का मोटापा को बढ़ाता है, इसको फैट बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन हो ठीक है ना, खनिज लवण हो ठीक है, उसको बोलते हैं संतुलित आहार। दूसरा नंबर क्या, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, दूसरा नंबर बोलेंगे व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, ठीक है ना। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तू अपने आप को एकदम पूरा फ्रेश रख ले, प्रत्येक दिन नहाता है, दिन भर 10 बार में नहाता है, ठीक है ना। पूरा नाम कपड़ा दिन भर में 5 बार बदल लेता है, पूरा नाम सेंट उंट मार के फेयर हैंड सब लगा के एकदम पूरा रेडी रहता है, लेकिन तुम तो अपने आप को पूरा व्यक्ति मतलब खुद को पूरा एकदम स्वस्थ पूरा एकदम सफा रख ले, ठीक है ना। व्यक्तिगत एकदम खुद रख रहा है सफा, लेकिन घर है तुम एकदम पूरा गंदा रख ले, मच्छी लग रहा था, भिन भिन कर रहा है, कूड़ा है, कचरा है, पूरा घर आकर घिना के रख दिया। सफा होता है साल में एक बार दीपावली में, ठीक है ना। तो वही तो वो गलत है, क्या बोलता है, तो बोलता है व्यक्तिगत तो ध्यान देना ही देना है और घरेलू स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। घरेलू स्वास्थ्य पर एवं घरेलू स्वास्थ्य देख लिए। अगला अगर बोले चौथा नंबर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे स्वच्छ, क्या बोलेंगे मतलब क्या क्या जरूरी बता रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, जब बीमारी पहुँचेंगे बीमारी के प्रकार बेहतर, ठीक है ना। स्वच्छ भोजन एवं जल, क्या बोलेंगे, स्वच्छ भोजन एवं जल यानी जो भोजन खा रहे हैं वो कैसा रहे स्वच्छ, चाहे रोटी खा रहे हैं, हमको पैसा ना है, सेब उब नहीं खा रहे हैं, पूरा जूस फूस नहीं पी रहे हैं, उससे कोई दिक्कत ना है। भोजन हमारा क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ मतलब उसमें माखी ऐसा ना हो कि माखी एकदम भिनभिना रहा है, ठीक है ना, बासी हो गया है, महक रहा है, सड़ रहा है और उसको हम खा रहे हैं, ऐसा नहीं। भोजन जो है स्वच्छ होना चाहिए, चाहे रोटी ही खाएँ, नमक चावल क्यों नहीं खाएँ, नमक भात क्यों नहीं खाएँ, लेकिन भोजन स्वच्छ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वच्छ। लेकिन नमक वमक खाएंगे तो फिर संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा। संतुलित आहार मतलब होता है कि सब कुछ होना चाहिए, तो गरीब के लिए संतुलित आहार करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, स्वच्छ भोजन और जल स्वस्थ होना चाहिए, यही ना कि कहें गए नदी में पानी मुँह लगा के पी लिए या गंदा जल है कहीं पर वो पी लिए, ठीक है ना। तो जल भी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जल मिक्स से बहुत सारा बीमारी होता है, पढ़ाएंगे हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, ये सब होता है जल से, ठीक है, डायरिया हो जाता है, जल से बहुत सारा बीमारी भी हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। पाँचवा नंबर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, क्या बोलेंगे, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होना चाहिए, यानी हवा जो है वो क्या होना चाहिए, तो ऐसा हवा होना चाहिए जो क्या शुद्ध एवं स्वच्छ हो। ऐसा नहीं कि हवा जो हम लोग को मिल रहा है नाक में पूरा घिंच रहे हैं पूरा धूल कण से भरा हो, बगल में फैक्ट्री हो, कारखाना हो, पूरा धुआं निकल रहा हो, उसको हम खींच रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। और सबसे अगर भारत में सबसे प्रदूषित हवा कहाँ का है, तो दिल्ली का है। दिल्ली का हवा ना बहुत प्रदूषित हो गया, ठीक है, बहुत प्रदूषित हो गया, इसलिए कहावत भी बन गया। कहावत का क्या बना है, तो दिल्ली है फेफड़ों वालों के, यानी जिसका फेफड़ा मजबूत है वही टिक पाएगा, ठीक है ना। तो शुद्ध एवं स्वच्छ हवा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अशुद्ध हवा के कारण भी बहुत सारा बीमारी होता है। क्या होता है, तो दम्मा आप लोग समझते होंगे कि पूरा दम निकल रहा है, हपस रहा है मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। तो श्वास संबंधी बीमारी होता है, जैसे दम्मा हो गया, ठीक है ना, दम्मा हो गया, उसमें क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइट्स हो गया, ठीक है। तो दम्मा, ब्रोंकाइट्स, ये सब क्या है, श्वास संबंधी बीमारी है, ठीक है ना। अगला क्या बोलेंगे, तो अगला जो बोलेंगे वो बोलेंगे क्या, पांचवा नंबर बोलेंगे व्यायाम एवं विश्राम। अब बोलेगा व्यायाम क्या है, व्यायाम मतलब हो गया कसरतवा करना, यानी मतलब कुछ कसरत वसरत भी करना, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक में जाओ, ठीक है ना, कसरत करो, दौड़ो, खेलो, कूदो, अनुलोम, रामदेव बाबा जैसा अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम करने से तो बहुत सारा बीमारी खत्म होता है, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, ठीक है ना, लंबा कूद, ऊंची जंप, नीची जंप, जो करना है, दौड़ो वो सब क्या है, व्यायाम। तो व्यायाम भी हम लोग को करना चाहिए। मजदूर लोग जो होता है उसको व्यायाम करने जो होते नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो उतना खड़ता सब व्यायाम हो जाता है, ठीक है ना। तो व्यायाम का होना जरूरी है। और फिर बोला विश्राम भी करना चाहिए, ही ना कि तुम गधा की तरह खट रहा है और तुमको विश्राम नहीं मिल रहा, तो फिर
तुमको मानसिक जो है मानसिक बीमारी हो जाएगा, ठीक है ना, फिर तुम हो जाएगा मानसिक रूप से व्याकुल हो जाएगा। तो विश्राम भी चाहिए, विश्राम में सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा नींद है, यानी तुमको प्रचुर मात्रा में नींद लेना चाहिए, प्रचुर मात्रा में नींद लेना चाहिए, ठीक है ना। और विश्राम मतलब क्या हुआ, तो विश्राम मतलब तुम्हारा हुआ और हुआ खाली नींद ना हुआ, विश्राम मतलब और होता है कि तुम्हारा जो इसमें मन लग रहा है वो काम थोड़ा कर लो, तुमको थोड़ा शांति मिलेगा, क्या मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगा, मन को खुशी मिलेगा। जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, दिन भर लोगों की इलाज कर रहा है, कर रहा है, कोई मजदूर है दिन भर काम कर रहा है, कोई किसान है दिन भर खेत में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में दिन भर काम कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो हो गया उसको थोड़ा मन हो जाता है व्याकुल, क्या होता है, तो उसको कब मन लगेगा, तो थोड़ा मतलब उसको अगर अति संगीत सुनना पसंद है तो थोड़ा संगीत सुन लो तो विश्राम मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। थोड़ा उसको लूडो खेलने सोते हैं, लूडो खेलो विश्राम मिल जाएगा उसको, मॉर्निंग वॉक कर ले उसको विश्राम मिल जाएगा। विश्राम मतलब इन्हें समझना कि खाली सोना ही है, विश्राम मतलब तुम्हारा जिसमें हॉबी है थोड़ा वो काम भी कर लो, ठीक है ना। तो ये रहा विश्राम एवं थी, कितना कारण पढ़ा दिए, कितना पढ़ा दिए, तो तीन और ये हुआ चार और ये हुआ पाँच। छठा देखो क्या है, छठा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छठा जो है वो होगा दुर्व्यसन का ना होना। क्या बोल रहे हैं, दुर्व्यसन का ना होना, दुर्व्यसन का नो होना, दुर्व्यसन का नो होना, इसको इंग्लिश में बोले तो जाएगा नो एडिक्शन। क्या होगा, नो एडिक्शन, एडी मतलब होता है आदि होना, यानी किसी चीज़ का तुम आदि ना हो जाओ, आदि मतलब समझ रहा है, यानी तुमको जो है गलत चीज़ का तुमको जो है लत नहीं लग जाए, गलत चीज़ का लत नहीं लग जाए, उसी को बोलते दुर्व्यसन का होना, यानी गलत चीज़ का तुम लत लग जाए। मान लो किसी को बोलता है चाय ना पियेंगे तो मन नहीं लगेगा, दिन भर लगेगा चिड़चिड़ापन लगेगा, अथी लगेगा, दिन भर शरीर में थपटाहट लग रहा है, तो उसको हो गया क्या, दुर्व्यसन का शिकार हो गया, गलत चीज़ का लत लग गया। दारू पिएगा नहीं तो नम पूरा लगेगा, जैसे नम पूरा जिंदगी बर्बाद होगा, तेरे बिना जग सुना सुना लागे, और दारू पिएगा तो फिर नागिन डांस करेगा, तो ये सब क्या है, दुर्व्यसन। तो हो गया गांजा हो गया, तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, अथी दारू हो गया, दारू मतलब शराब हो गया, हेरोइन हो गया, अफीम हो गया, कोकीन हो गया, ये सब क्या है, सब है क्या, ड्रग्स, ये सब क्या है, सब है दुर्व्यसन, क्या है, दुर्व्यसन, ठीक है। दुर्व्यसन का ना होना, दुर्व्यसन क्या बताए थे, गांजा सिगरेट, ठीक है ना, बीड़ी शराब, ठीक है, अफीम, कोकीन, ये सब जितना भी लिखा रहा है सब क्या है, सब है नशा वाला पदार्थ, ठीक है ना, कोकीन, हेरोइन, ठीक है ना, हेरोइन, अफीम, कोकीन, हेरोइन, ये सब क्या है, ड्रग्स है, क्या है, ड्रग्स, ये सब क्या है, दुर्व्यसन का होना। तो याद रखना, पूछेगा बता कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या शर्त है, तो फटाक से इतना शर्त लिख देना, नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए शर्त, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है, शर्त, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तुम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है ना, जिससे हमको मोटिवेट मिले और आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बना सके, ठीक है ना। चलो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखते हैं क्या, तो ये पढ़ लिए हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या शर्त पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे हम स्वास्थ्य की परिभाषा, पढ़े थे क्या स्वास्थ्य परिभाषा क्या था, तो वैसा स्थिति जिसमें क्या हो, पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता हो, खाली बीमारी और पीड़ा का ना होना, ठीक है ना, यानी नो की खाली बीमारी या पीड़ा है वो नहीं, तो वो तो हो गया शारीरिक, ठीक है ना, लेकिन मानसिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं पूरा संपन्न होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आप पढ़ेंगे रोग, क्या पढ़ेंगे, और कौन रोग पढ़ेंगे, तो मानव रोग, तो रोग आप लोग जानबे करते हैं, बहुत सारा रोग होता है हम लोग का शरीर में, ठीक है ना। तो रोग क्या है, तो एक असामान्य स्थिति है, सामान्य मतलब क्या होता है, सामान्य स्थिति मतलब होता है कि तुम्हारा शरीर में कोई प्रॉब्लम ना है, कोई किसी तरह का रोग नहीं है, तो वह तुम सिंपल, यानी तुम क्या, सामान्य हो, तुम नॉर्मल आदमी हो, तुमको कोई दिक्कत ना है, ठीक है, शरीर में कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। लेकिन असामान्य मतलब क्या हो गया, असामान्य मतलब हो गया कि तुमको कोई बीमारी हो गया, तुम्हारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, मानव रोग क्या है, तो बोलेंगे मानव रोग क्या है, तो यह मानव रोग, तो बोलना है वैसा मानव रोग क्या है, तो मानव रोग लिखना है, मानव रोग एक असामान्य, क्या बोलेंगे, असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मानव रोग कहेंगे। तो मानव रोग क्या है, तो उसे लिख देना, तो उसे मानव रोग कहेंगे। अब समझो, तो मानव रोग क्या है,
तो तुम्हारा क्या वो सामान्य स्थिति है, यानी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना। और जिसमें क्या है, अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो सिंपल बात है, कोई अंग या अंग तंत्र, अंग मतलब क्या हुआ, अंग मतलब तुम्हारा हो गया आँख, कान, नाक, दांत, गला, हाथ, पांव, ठीक है ना, सर, ठीक है ना, गला, ये सब क्या है, तुम्हारा अंग है। लेकिन अंग तंत्र की बात करेंगे तो जैसे पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में बहुत सारा अंग मिल के काम करता है, बहुत सारा अंग मिलता है तो बनता है अंग तंत्र। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तो तंत्र मतलब हो गया कि बहुत सारा अंग एक साथ मिलेगा तो कहता है तंत्र, क्या बनता है तंत्र, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अंग काम करना बंद कर दे या अंग तंत्र काम करना अच्छी तरह से काम नहीं करे तो क्या है, वो हो गया मानव को हो गया रोग, क्या हो गया, रोग हो गया, समझ आ गया ना। जैसे अंग में क्या बोले थे, अंग में बोले थे क्या तुम्हारा, तो नाक, कान, दांत, ठीक है ना, ऐसे जितना भी तुम लोग जानता हो, गला, ठीक है ना, गला हो गया, एक एक ले सकते हैं, इसलिए लिए क्या यकृत, ठीक है ना, किडनी, एक गोल ले रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब है अंग, क्या है, अंग है। लेकिन अंग तंत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बहुत लोग काम करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, यकृत, फिर तुम लोग का जो है यहाँ पर ये आमाशय हो गया, बहुत सारा मिलकर काम करता है, पाचन तंत्र हो गया, ठीक है ना, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र में नाक से लेकर फेफड़ा सब लोग मिला रहता है, ठीक है ना, परिवहन तंत्र हो गया, ठीक है, परिवहन तंत्र हो गया, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तो बहुत सारा तंत्र है, ठीक है ना, जनन तंत्र हो गया, ये सब क्या है। तो अगर तंत्र काम करना बंद करे तो बोलते हैं क्या, मानव रोग, क्या बोलते हैं, मानव रोग कहा जाता है, ठीक है। तो मानव रोग में क्या हुआ, तो मानव रोग किसे कहेंगे, तो दुनिया में जितना भी बीमारी होता है कोई अंग या अंग तंत्र काम करना से बंद कर देता है। अब देखो मानव रोग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, तो इसका पढ़ेंगे क्या, मानव रोग के अभी लक्षण, लक्षण होता है ना, कोई लोग होगा तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर पहले से जवाब देने लगेगा, यानी कोई अंग अगर तुम काम नहीं कर रहा है तो तुम्हारा शरीर के अंदर वो पहले से जवाब दे रहा है, क्या दे रहा है, पहले से जवाब देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अभी लक्षण। अरे छोटा चिन्ह, चिन्ह वहाँ मतलब समझ रहा है, चिन्ह मतलब हुआ कि तुमको दूर से देखे को बता देगा, अरे लगो तो शरीर पीला पीला हो रहे, जॉन्डिस हो गए लोग की, तो हो गया चिन्ह, क्या हो गया, चिन्ह हो गया, यानी ठीक है ना। एक तो पढ़ेंगे क्या, एक तो पढ़ेंगे लक्षण, क्या पढ़ेंगे, लक्षण, ठीक है, रोग के लक्षण, एक तो पढ़ेंगे चिन्ह, क्या पढ़ेंगे, चिन्ह पढ़ेंगे। लक्षण को बोलते हैं सिम्पटम, क्या बोलते हैं, सिम्पटम, सिम्पटम यानी सिम्पटम हो गया ना, बोलता है कि तुम्हारा सिम्पटम देख के संकेत, जो शरीर के अंग या अंग तंत्र के कार्य करने पर, कार्य न करने पर हमें मिलता हो, यानी हम लोग को लगेगा कि हमारे शरीर में लगे कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा लगा कमजोर जैसा लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हाथा गर्म लग रहा है, ठीक है ना, यानी हमको कुछ संकेत मिल रहा है। संकेत क्यों मिल रहा है, सिंपल बात, हमारा शरीर के अंदर कोई अंग या अंग तंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो जो संकेतवा मिल रहा है ना, वही क्या है, लक्षण, क्या है, लक्षण, क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैसा संकेत, क्या बोलेंगे, वैसा संकेत, वैसा संकेत जो 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 हमारे अंग या अंग तंत्र, अंग या अंग तंत्र को, अंग या अंग तंत्र को अच्छी तरह से, अच्छी अच्छी तरह से कार्य नो करने पर, कार्य नो करने पर हमें मिलता है, हमें मिलता है, यानी संकेतवा जो मिलता है, ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही सिम्पटम यानी लक्षण कहा जाता है, क्या कहता है, लक्षण कहा जाता है। अच्छा होता लक्षण, हमको पेट दर्द कर रहा है, हमको सर दर्द कर रहा है, ठीक है ना, हमको सर दर्द कर रहा है, हमको चक्कर आ रहा है, हमको मिर्गी ऐसा लग रहा है, मिर्गी ने चक्कर आ रहा है, ये सब बता, कोई दूसरा पता चलेगा नहीं, तो लक्षण जो है सिर्फ रोगी को ही पता चलता है, रोगी को ही पता चलता है, डॉक्टर भी जाएगा तो पूछा कैसा लग रहा है, डॉक्टर साहब चक्कर लगा पाए, और कुछ लगा पा, डॉक्टर साहब सर दर्द कर रहा है, और क्या लग रहा है, डॉक्टर साहब पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर थोड़े पता है, डॉक्टर तुमको पूछ रहा है, यानी ये सिर्फ लक्षण जो है सिर्फ रोगी को ही पता होता है, तो क्या लिखेंगे, यह, क्या बोलेंगे, यह 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 सिर्फ, यह सिर्फ रोगी यानी मरीज, रोगी यानी मरीज को ही, मरीज को ही मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, समझ तुमको आ गया ना। अब जैसे चिन्ह क्या है, तो चिन्ह मतलब क्या है पता है, चिन्ह क्या है, तो वैसा स्थिति है, वैसा स्थिति है, चिन्ह क्या है, तो वैसा स्थिति है जो तुम्हारा शारीरिक बनावट में, शरीर में, यानी तुम्हारा काया, काया बोलते हैं शरीर को बोलते काया, तो यह वैसा स्थिति है जो मानव के काया एवं शारीरिक रचना में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और जो सबको पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं चिन्ह। जैसे मान लो तुम्हारा शरीर हो गया पीला, आँख पीला हो गया, पूरा शरीर पीला हो गया, तो तब क्या होगा, तुमको भी पता चल रहा है कि हमारा शरीर हो गया पीला,
और जो तुम्हारा अगल बगल में जो तुम्हारा परिवार लोग के लोग हैं, समाज के लोग भी बोलेगा तुम्हारा शरीर पीला हो गया रे, यानी लगता है तुमको जॉन्डिस हो गया, यानी जो दूसरों देख ले बाबा बता दे दूसरों को देख के बता दे, उसको बोलते चिन्ह, क्या बोलते हैं चिन्ह बोलते हैं, आँख हो गया लाल, आँख से पानी गिर रहा है, आँख में चिपचिपा पदार्थ बन रहा है, ठीक है ना, और ये पर डे हो रहा है, तो तुम्हारा हो गया आँख वाला बीमारी, दूसरों को देख के बता देगा। अब बोलेगा ये क्या है, यह कंजंक्टिवाइटिस एक बीमारी है, कंजंक्टिवाइटिस क्या है, एक बीमारी है जो आँख में होता है, ठीक है ना। तो बोलेंगे चिन्ह क्या है, तो बोलेंगे वैसा स्थिति, क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैसा स्थिति है जो मानव के कायिक या शारीरिक, कायिक मतलब काया, शरीर कायक बना हुआ है, कायिक या शारीरिक परिवर्तन को दिखाता हो या प्रदर्शित करता हो, उसे चिन्ह कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, चिन्ह कहा जाता है। समझ तो लगा गया, जैसे बताया था क्या जॉन्डिस में ज़्यादा दिखता है, जॉन्डिस को बोलते हैं हेपेटाइटिस बोलते हैं, उसमें ज़्यादा दिखता है कि शरीर पीला हो गया है, ठीक है ना, आँख पीला हो गया, और आँख अगर लाल हो गया, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, पानी गिर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे पढ़ लिए, आप पढ़ते हैं समय के, ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, समय के अनुसार रोग के प्रकार। तो समय के अनुसार रोग को दो भाग में बांटते हैं, कितना बांटते हैं, दो के भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक बोलते हैं क्या, तो एक बोलते हैं चिरकालिक, क्या बोलते हैं चिरकालिक, पहले हटाओ, पहले को बोलेंगे तीव्र रोग, क्या बोलेंगे, बोलेंगे तीव्र, क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे तीव्र रोग, ठीक है ना। और एक को बोलेंगे चिरकालिक, क्या बोलेंगे, चिरकालिक, यानी समय के अनुसार बता रहा है। तो एक होगा तीव्र रोग, एक होगा चिरकालिक रोग। तीव्र रोग क्या होगा, तीव्र रोग जो है अचानक आता है, तीव्र रोग किसे कहा जाता है, तो बोलना तीव्र रोग अचानक आता है और काफ़ी कम समय के लिए होता है, ठीक है ना, उसे ही तीव्र रोग कहा जाता है। जैसे तुम लोग को अचानक देखेगा तो क्या होगा, सर्दी हो जाएगा, ठीक है ना, सर्दी जुकाम हो जाएगा, पूरा नाक उबह रहा है, अचानक सर्दी हो गया, पहले दिन ठीक था, बहुत सूद के उठा सर्दी हो गया है, और सर्दी हो जाएगा पूरा परेशान, एक दो दिन में पूरा परेशान, सर्दी होने पर तो माथा खराब हो जाता है, खतरनाक ना है, लेकिन माथा खराब हो जाता है ना, तुमको ना तो सोने में बनेगा, ना तो बैठने में बनेगा, तो खाने में बनेगा, तो पढ़ने में बनेगा, पढ़ने वाला तो और ज़्यादा परेशानी होता भाई, ठीक है ना। तो सर्दी क्या है, तो सर्दी मेरा तीव्र रोग क्या है, यानी अचानक आएगा और फिर ज़्यादा दिन रहेगा, एक से दो दिन में, यानी दो से तीन दिन में अपने ठीक हो जाएगा, या कोई दवाई लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा 1200 लोग आगे पढ़ाएंगे, और हैजा हो गया, हैजा को बोलते हैं कोरला, क्या बोलते हैं कोरला हो गया, मलेरिया, तुमको बुखार हो गया, तो आराम से दवाई लो, या अपनों ठीक हो जाएगा, या दवाई लेगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है, सब तीव्र रोग। तो बोलेगा तीव्र रोग किसे कहते हैं, सिंपल बोलना वैसा रोग अचानक आता हो और जो कम समय के लिए रहता हो, जो कम समय के लिए, तात्क्षणिक समय के लिए रहता हो, उसे तीव्र रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना है क्या, मलेरिया, ठीक है ना, लिखना है फिर क्या, सर्दी, क्या लिखना है, सर्दी जुकाम लिखना है, हैजा, क्या लिखना है, हैजा जो है दूषित जल से फैलता है, और इसको बोलते हैं कोरेला, क्या बोलते हैं कोरेला, इंग्लिश में बोलते हैं करेला, नहीं बोलना है कोरेला, करेला तो अच्छा है, ठीक है ना, कोरेला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। फिर हम बोल सकते हैं क्या, तो इन्फ्लुएंजा, क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा। तो ये सब मेरा क्या है, सब मेरा है तीव्र रोग, क्या है, अचानक आया, कुछ दिन का मेहमान है, फिर एक दो तीन, ठीक है ना। अगला देखते हैं चिरकारी बोलेंगे क्या, तो वैसा रोग, वैसा लोग जो लंबे समय के लिए बना रहता है, वैसा लोग जो शरीर में लंबे समय के लिए बना होता है, ठीक है ना, और पूरी तरह से समाप्त भी नहीं होता है, उसे बोलेगा चिरकारिक रोग। चिर मतलब लंबा समय, कार मतलब समय, चिर मतलब लंबा, कार मतलब समय, यानी लंबा समय के लिए शरीर में तुम्हारा पड़ा है, उसे बोलते हैं क्या, चिरकारिक। जैसे मान लो तुम्हारा क्या हो गया, तो तुम एक होता है गठिया बीमारी, गठिया होता है बुढ़ापा में, ठीक है ना, अब बुढ़ापा में गठिया हो गया तो जब तक तुम मतलब राम नाम सत्य नहीं, गठिया तुम्हारा साथ रहेगा, तो गठिया हो गया, दम्मा जिसको हो गया, जिसको बोलते हैं हफ्सी बोलते हैं, पूरा लगता है दम निकल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दम्मा हो गया, ठीक है ना। उसी पर बोल सकते हैं क्या, मधुमेह हो गया, ठीक है, मधुमेह यानी शुगर को बोलते हैं डायबिटीज बोलते हैं, ये सब बीमारी जिसको हो गया लंबा चलेगा, क्या चलेगा, लंबा समय तक चलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, गठिया हो गया, दम्मा हो गया, मधुमेह हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है ना, पोलियो हो गया, ये सब चलते रहेगा, समाप्त होने वाला जल्दी ना है, ठीक है ना, कैंसर हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब मेरा क्या है, तो ये सब मेरा चिरकालिक रोग, क्या है मेरा, चिरकालिक रोग। तो समझ गया समय के अनुसार। अब देखते हैं कारण के अनुसार रोग के प्रकार। आप लोग को वायरस होने वाला लोग, वायरस बोले तो विषाणु से, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया से, कवक बोले तो फंजाइस से, सब यार करवा देंगे, ठीक है ना, और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग को हम यहीं आर्ट करवा देंगे ट्रिक से, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
चलो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कारण के आधार पर, किस आधार पर, कारण के आधार पर रोग का प्रकार, कारण के आधार पर, कारण के आधार पर। तो बांटेंगे दो भाग में, कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। एक बोलेंगे आंतरिक कारण, क्या बोलेंगे, आंतरिक कारण, ठीक है ना। एक बोलेंगे बाह्य कारण, क्या बोलेंगे, बाह्य कारण। तो एक तो हो गया क्या, तो रोग के प्रकार हो गया आंतरिक कारण से होने वाला रोग और बाह्य कारण से होने वाला रोग। आंतरिक कारण मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा जन्म से ही प्राप्त है, यानी तुम्हारा अंदर ही, मतलब रोग ही नहीं कि तुम जन्म ले लिया है और किसी जीवाणु विषाणु फंजाई यानी कवक प्रोटोजोआ कृमि ये सब से ना हुआ है, बल्कि तुमको जन्मजात रोग कोई मिल गया, जन्मजात यानी जन्मे के साथ तुमको कोई रोग मिल गया है, या तुम्हारा शरीर के अंदर, कोई बाहर से तुमको नहीं दिया है, तुम्हारे शरीर के अंदर हार्मोन उर्मोन बिगड़ने से मिल गया है, रोग बन गया है, तो उसको बोलते हैं आंतरिक कारण। क्या बोलते हैं, आंतरिक कारण। तो आंतरिक कारण रोग होता है दो प्रकार, कितना होता है, दो प्रकार होता है, ठीक है ना। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया है, दो प्रकार, एक बोलते हैं अनुवांशिक, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग, क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग, और एक बोलते हैं हार्मोन के गड़बड़ी से उत्पन्न रोग, हार्मोन की गड़बड़ी से, क्या बोल रहे हैं, हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग। तो ये दोनों किस में आता है, ये दोनों आता है आंतरिक कारण में, किस में आता है, आंतरिक कारण में आता है। अब अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे, तो अनुवांशिक रोग मतलब समझो वैसा रोग, वैसा रोग, ठीक है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी मतलब समझ रहा है ना, तुम्हारा दादा मगर कोई रोग था हो ना, ऐसा दादा में था, दादा से आ गया पिताजी में, पिताजी से आ गया तुम में, आ गया तुमसे तुम्हारा बाल बच्चा में जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा से तुम्हारा पोता पोती में जाएगा, तो उसको बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होते रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुवांशिक रोग। तो ये क्या, आंतरिक कारण से हुआ, किसके कारण से हुआ, कोई बाहर से तुमको नहीं दिया है, तो आंतरिक कारण से हुआ, समझ गया ना। तो अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग मतलब समझ गया ना कि ये मतलब तुम्हारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ऐसे पढ़ना है तो होता है हीमोफीलिया, क्या होता है, बोलेगा हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो हीमोफीलिया जो है ये अनुवांशिक रोग है, कैसा है, अनुवांशिक रोग है, ठीक है ना। एक होता है वर्णांधता, क्या होता है, दो ही चीज़ें रखना है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्णांधता क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं वर्णांधता। एक होता है वर्णांधता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक हो गया हीमोफीलिया, एक हो गया कलर ब्लाइंडनेस। पूछेगा हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो बोलना है कि अनुवांशिक रोग है। पूछेगा वर्णांधता कैसा रोग है, तो बोलना है अनुवांशिक रोग है, ठीक है ना। चलो लिखो यहाँ पर हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया समझते हैं, हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया जो है ना, अगर किसी को हो गया तुम्हारे परिवार में, तो तुम्हारा चलते रहेगा आगे आने वाला पीढ़ी में उसको जाते रहेगा। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कहीं शरीर में तुम्हारा कट गया तो हो गया दिक्कत, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो वहाँ पर तुमको जब तक उसको मतलब बंद नहीं कर दो, इलाज करवा के अपने आप बंद नहीं होगा, तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, ठीक है ना। और ये पहला बीमारी जो हुआ था, ये हुआ था रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली में तो समझ रहा है, बड़ा परिवार में, बड़ा परिवार कौन था, तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के महारानी को पहले हुआ था, ठीक है ना। अगला देखते हो वर्णांधता क्या होता है, तो वर्णांधता में क्या होता है कि कोई रंग पहचानने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर इसको तीन रंग होता है, ठीक है ना, एक होता है क्या, एक तो हरा और लाल ज़्यादा पूछता है, हरा और लाल, हरा और लाल, ऐसे नीला भी होता है, ठीक है ना। तो अगर रंग को पहचानने में तुमको दिक्कत हो रहा है, लाल को, लाल को बोल दिया, को वो हरा बोल दिया कि कौन लाल है, कौन हरा है, कौन नीला रंग है, अगर किसी को ये पहचानने में दिक्कत हो रहा है, तो वो है अनुवांशिक रोग, क्या है। और रेलवे में जाएगा नौकरी करने, तो रेलवे में यही देखता है, तुमको पहले कलर कराएगा कि क्या चेक पता है, तो कलर ब्लाइंडनेस को चेक करेगा, वर्णांधता को चेक करेगा, और देखेगा पगलवाई जो है रंग को चेक कर पा रहा है कि नहीं, ऐसे बोलेगा कि लाल बत्ती जलल है, लाल बत्ती जलल यानी खतरा का सिग्नल है, इसको दिखाई नहीं दिया लाल को, उसको हरा नहीं आ रहा है, और जाके घुसा दिया ट्रेन में, हो रहा है ठोक, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस समय क्या होता है, रेलवे के एग्जाम में वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाता है, और ये कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो गया है ये समाप्त होने वाला ना है, ये तुमको पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा बेटा में, पोता में, परपोता में चलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलो ये अनुवांशिक रोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हार्मोन की गड़बड़ी कारण, हार्मोन किसे कहते हैं, तो हार्मोन देखो एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को, ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम को हार्मोन कहते हैं, ग्रंथि से जो एंजाइम निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं। और ग्रंथि तीन प्रकार का होता है, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है मिश्रित, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो हार्मोन, तो ऐसे मान लो कि हम लोग का एक ठो हार्मोन है, क्या एक ठो मिश्रित हार्मोन है जिसका नाम है अग्नाशय, और अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन, क्या निकलता है इंसुलिन, क्या बोल रहे हैं, तो इंसुलिन मेरा क्या है, तो इंसुलिन मेरा है हार्मोन, क्या है, और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है अग्नाशय
से अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, क्या बोलते हैं पैनक्रियाज, तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगर इंसुलिन हार्मोन अगर बनना बंद हो गया, इंसुलिन हार्मोन अगर कम बनने लगेगा तो क्या है पता है, तो हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्या होता है, मीठा, यानी हम लोग की मात्रा, हम लोग के शरीर में जितना भी मीठा चीज़ है उसको कंट्रोल कौन करता है, मीठा चीज़ को मीठा पदार्थ को कंट्रोल करता है इंसुलिन, क्या करता है। अब पगलवा अगर इंसुलिन कम बनने लगा तो हो गया दिक्कत, हमारा शरीर में मीठा भाग जो है बढ़ने लगा, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगा, यानी चीनी की मात्रा बढ़ने लगा, तो हो जाएगा चिनिया बीमारी। क्या हो जाएगा, तो इंसुलिन की कमी से, इसके कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है चिनिया बीमारी। क्या होता है, चीनिया बीमारी, या इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं मधुमेह, क्या बोलते हैं मधुमेह, या इसी को बोलते हैं डायबिटीज, क्या बोलते हैं डायबिटीज, या इसी को बोलते हैं शुगर, क्या बोलते हैं शुगर बीमारी। समझ आ गया ना, तो ये शुगर बीमारी क्यों हुआ, ये हुआ हार्मोन की गड़बड़ी कारण, यानी हमको कोई बाहर से ये रोग नहीं मिला, हमारा शरीर के अंदर गड़बड़ी कारण हुआ, इसलिए पढ़ेंगे आंतरिक, किसे पढ़ेंगे आंतरिक, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को क्या होता है, देखना किसी किसी लोग का यहाँ पर वो मांस निकल जाएगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गलगंड रोग, क्या बोलते हैं, या बोलते हैं ग्वाइटर रोग, या बोलते हैं घेंगा रोग, क्यों हुआ पता है, तो आयोडीन की कमी से हुआ। आयोडीन को नियंत्रित कौन करता है, तो आयोडीन को नियंत्रित करता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि यहाँ पर होता है, उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का अगर शराब कम होने लगेगा तो, और आयोडीन की कमी हो जाएगा तो वो बन जाएगा क्या, तो बन जाएगा क्या, तो हो जाएगा यहाँ पर एक रोग हो जाएगा जिसको बोलेंगे ग्वाइटर या गलगंड या घेंगा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे ग्वाइटर, क्या बोलेंगे ग्वाइटर, या बोलते हैं गलगंड, क्या बोलते हैं गलाम होता है इसलिए बोलते हैं गलगंड, या बोलते हैं घेंगा, क्या बोलते हैं घेंगा। तो ये सब जो रोग है ये भी क्या है, हार्मोन के गड़बड़ी के कारण हुआ है। ये दोनों किस में गया, आंतरिक कारण में। अब बाह्य कारण में क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल बात है, बाह्य कारण में पढ़ेंगे जो बाहरी कारण से होता है, यानी जीवाणु से जो रोग होता है, ठीक है ना, हम लोग के शरीर में नहीं था बल्कि ये जीवाणु यानी बाहर के सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। क्या बोलेंगे, बाह्य कारण में उस पढ़ेंगे उसको जो सूक्ष्म, क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म जीव यानी वैसे इतना छोटा है कि उसको देख नहीं पाएंगे, और सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाएगा वैसा सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाएगा उसको बोलेंगे सूक्ष्मजीव रोगाणु। क्या बोलेंगे, सूक्ष्मजीव रोगाणु बोलेंगे। तो सूक्ष्मजीव रोगाणु में कौन आएगा, तो जीवाणु आ जाएगा, ठीक है ना, फिर विषाणु आ जाएगा, क्या आएगा, विषाणु आ जाएगा, फिर आ जाएगा कवक आ जाएगा, क्या आएगा, कवक आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, क्या आएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, फिर क्या आएगा, फिर कृमि आ जाएगा। ये सभी क्या है, तो ये सब मेरा सूक्ष्म जीव है और रोग को फैलाने वाला है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव रोगाणु। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव रोगाणु, याद रखना इंग्लिश नाम, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जीवाणु के बैक्टीरिया, ऐसे तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, बोलेगा बैक्टीरिया में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जीवाणु को ही बोलते हैं बैक्टीरिया, और विषाणु को बोलते हैं वायरस, क्या बोलते हैं, विषाणु को वायरस बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, कवक को क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, और कृमि को कृमि ही बोलते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम ट्रिक से, देखते हैं कि जीवाणु से होने वाला रोग ही तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीवाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ठीक है ना, कवक से होने वाला रोग, कृमि से होने वाला रोग, ये सब डायरेक्ट पूछता है, स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है याद करने में। आप लोग को ट्रिक से बस बुढ़ापा के लिए याद हो गया, बुढ़ापा तक आप लोग को याद हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलो करते हैं, ऊपर मिटा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले बता रहे हैं जीवाणु, क्या बता रहे हैं, पहले बता रहा है जीवाणु से होने वाला रोग, क्या बता रहा है, तो पहले बता रहा है जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाले रोग। अच्छा ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक 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 इसका ट्रिक क्या है, देखो TRIC ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक क्या है देखो, तो क्या बोलना है, इसका ट्रिक सिंपल है, ठीक है ना, एगो पंडित है, ठीक है ना, और पंडित का क्या है, तो पंडित का है टीका, टीका मतलब समझ रहा है, जो वैक्सीन देता है, जो कोरोना में अभी टीका पड़ता है, टीका मतलब समझ रहा है, कैसे पंडित जी लिया और टिकवा दे दिया, ठीक है ना, वो टीका नहीं है, वो टीका होता है सुइया देना, ठीक है ना, कोरोना वाला टीका। तो बोले उस, तो अपना एगो बाप है, वो बोल रहा है अपना बेटी को क्या बोल रहा था, अपना बेटी को बोल रहा है कि पंडित का टीका न्यू है, कौन सी है, तो न्यू है बेटी रिया, यानी बेटी रिया सुनो, पंडित का जो टिकवा है ना न्यू है, तो क्या बोलना है, बना है क्या, ट्रिक बन गया मेरा, ट्रिक क्या बना, तो ट्रिक बना है पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, ए रिया बेटी, पंडित का टीका जो है न्यू है, यह ट्रिक बन गया है। अभी देखो जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया याद रखना है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। और देखो यहाँ ट्रिक क्या बना, पोस से यहाँ डांडो,
तो पो से क्या बना, तो पो से मेरा बना बना है पो से प्लेग। दो से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, ठीक है ना। का से काला जाल, अथी को का से तो का से बोलेंगे क्या, तो का से बोल देते हैं काला जार, क्या बोलते हैं काला जार, ठीक है ना। टी से क्या, टी से टिटनस। का से पंडित की टीका, की दे देते हैं यहाँ, ठीक है ना, की दे देंगे। तो यहाँ लिख दो कुष्ठ रोग, क्या लिखो पंडित की तो कुष्ठ रोग। यहाँ का मतलब दो काला जार, क्या देंगे, ठीक है ना। और न्यू मतलब निमोनिया, है जा, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, याद हो गया। तो बोलेगा कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है, तो बोला पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। निपो से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, तो से तपेदिक, की से कुष्ठ रोग, टी से टिटनस, का से काला जार, और टिटनस और टाइफाइड भी याद रखना, टाइफाइड, और का से काला जार, न्यू से निमोनिया, है फोर है जा, बैक्टीरिया इसी में आ गया, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो रोग है वो बैक्टीरिया से होने वाला है। अब यहाँ तुम लोग सुनो ध्यान से, ये तपेदिक को ही बोलते हैं टीबी, क्या बोलते हैं टीबी, यानी टीबी रोग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, क्षय रोग, यानी टीबी को ही बोलते हैं क्षय रोग, या इसी को बोलते हैं यक्षमा रोग, क्या बोलते हैं यक्षमा रोग, याद रखना। तो चर्चा नाम हो गया, जैसे बंदर भालू गधा सब तुम्ही लोग को बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ अगर तपेदिक टीबी क्षय रोग यक्षमा रोग सब क्या है, एक है नामा अलग एक है। और हजा के इंग्लिश में बोलते हैं कोरेला, क्या बोलते हैं कोरेला, करेला नहीं कोरेला, कोरेला कोरेला, याद हो गया, बोले याद हुआ। बोलेंगे बता प्लेग किससे होता है, तब तुम्हें बोलेगा जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया किससे होता है, तो जीवाणु बैक्टीरिया, तपेदिक टीबी क्षय रोग यक्षमा रोग बैक्टीरिया से होता है, की मतलब कुष्ठ रोग बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है, टी मतलब टिटनस, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है ना। और का मतलब काला जार, बैक्टीरिया से होता है, काला जार तीनों से होता है, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। न्यू मतलब निमोनिया, बैक्टीरिया से होता है, मतलब हैजा बैक्टीरिया से होता है, याद हो गया ना। तो बल्कि सिंपल था। अब देखो क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं वायरस से होने वाला, क्या देखते हैं वायरस से होने वाला रोग, तो देखते हैं वायरस से होने वाला रोग, इसको मिटा रहे हैं आप लोग, छाप लो फटा से ना, और आप देख रहे हैं वायरस से होने वाला रोग, वायरस को बोलते हैं क्या, तो वायरस को ही बोलते हैं क्या, जल्दी बता। तो चलो मिटा दिए हैं, अब देखते हैं क्या, तो अब देखते हैं विषाणु, वायरस का खोज किसने किया, विषाणु खोज किसने किया, इवानोवस्की। तो देखते हैं वायरस का ट्रिक, क्या देखते हैं वायरस से होने वाला रोग का ट्रिक, TRICK को देखते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रिक याद रखना, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को जब जीवाणु से पढ़ लेगा, कवक से पढ़ लेगा होने वाला रोग, तो जो बच जाएगा विषाणु हो जाएगा, ठीक है ना। एक आधे को पढ़ा देंगे वो वाला क्रीमिस क्या होता है, तो वो वाला, ठीक है। चलो देखते हैं ये वाला वायरस होने वाला रोग, तो क्या बोलेंगे रचना रचना नाम के लड़की है कॉलेज में पढ़ती है, ठीक है ना। तो बोलेंगे रचना यानी रचना मांग रहा है, रचना हमें दो जरा, एगो लड़की है उसे रसना पीना है, क्या पीना है रसना होता है ना, रसना जो बोल के पीते हैं, तो रसना हमें दो जरा किससे मांगे, एगो लड़की थी उसे मांगे थे रसना हमें दो जरा, वो बोला भट्ट बदमाश कहेगा ले बीस मतलब जहर पी, हम उसको मांगे थे रचना, और वो बोल रहा है क्या, वो हमको दे रहा है जहर, क्या दे रहा है जहर दे रहा है, ठीक है ना। उसे बोले रसना हमें दो जरा, बोला हट बदमाश कही कह ले जहर पी यानी बीस पी, ठीक है ना। तो दे जरा, तो बोला बीस पी, क्या बोला, वो बोला बीस पी। तो देखो यहाँ ट्री बन गया, ठीक है ना। हमें को लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, हमें को लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आर ए मतलब रेबीज, CHNA मतलब चेचक, या इसी को बोलते हैं चिकन पॉक्स, जो तुम लोग देखता है जो माता जी बोलते हैं जिसको हो जाता है, तो चिकन पॉक्स हो जाता है, क्या होता है चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। एक होता है स्मॉल, एक होता है चिकन पॉक्स, ठीक है ना। एक यहाँ पर देखो एस से होगा क्या, तो एच, यहाँ पर तीनों का अलग अलग, एच अलग, एम अलग, ई अलग,
तो एच बोलेंगे क्या, एच बोलेंगे हेपेटाइटिस, क्या बोलेंगे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस या एक बीमारी और बोलेंगे हर्पिस, क्या बोलेंगे हेपेटाइटिस और हर्पिस। तो एच से दोनों हो गया, एक हो गया हेपेटाइटिस, एक हो गया हर्पिस, एक हो गया हेपेटाइटिस, एक हो गया हर्पिस, ठीक है। और एम से बोलेंगे क्या, तो एम से होता है मजलिस एक्ट, ठीक है ना, मजलिस होता है, मजलिस करके होता है, ठीक है ना। और एक होता है ई, ई से बोलेंगे इन्फ्लुएंजा, क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंजा, 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 इन्फ्लुएंजा होता है दूषित जल से। और दो से बोलेंगे डेंगू, क्या बोलेंगे डेंगू, क्या बोलेंगे डेंगू, क्या बोलेंगे डेंगू। जरा से बोलेंगे, बोलेंगे जीगा, क्या बोलेंगे जीगा, जीगा वायरस, जीगा वायरस, जीगा वायरस। और बोला था ले जहर पी, तो रचना दो यानी बीस पी, बीस मतलब विषाणु, बीस मतलब विषाणु, यानी जितना इधर लिखे हैं सब विषाणु, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखे सब किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। बोलेंगे रे बीज किससे होता है, वायरस से। चेचक किससे होता है, वायरस से। चेचक को बोलते हैं चिकन पॉक्स, क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स, बोलते हैं किससे होता है, वायरस से। हेपेटाइटिस या हर्पीस किससे होता है, वायरस से। इसका मजलिस किससे होता है, वायरस से। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से। डेंगू किससे होता है, वायरस से। जीगा किससे होता है, वायरस से। याद हो गया ना, अरे याद हुआ, जल्दी बोलो याद हुआ, चलो याद हो गया। अब देखते हैं क्या, तो जीवाणु भी निपटारा कर दिए, विषाणु भी निपटारा कर दिए। अब देखते हैं कवक, क्या देखते हैं कवक, कवक 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 को बोलते हैं फंजाई, क्या बोलते हैं कवक को बोलते हैं फंजाई। देखते हैं कवक से होने वाला रोग, कवक 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 यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई, कवक यानी फंजाई, कवक से होने वाला रोग, कवक से होने वाले, होने वाले, होने वाले, होने वाले रोग, 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 रोग। ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक, 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 ट्रिक क्या बोलता, ट्रिक क्या बोलता, ट्रिक तुम बोलना है, पापा बजाना, पापा, पापा बजाना, बोलना पापा आप कहाँ पर सोते हैं, क्या बोलना है, बोलना है पापा कहाँ पर सोते हैं, पापा कहाँ पर सोते हैं, पापा कहाँ उठेगा, चटाक से ना देगा दूध छप थप्पर दे, और तुम्ही को देगा सुला देगा, बोलेगा पगला इतना दिन में खड़ते, तुम बोलते कहाँ पर सोता है, चटा चट चटा चट दे देना दन, ठीक है ना। तो बोलना है पापा कहाँ पर सोते हैं, क्या बोलना है, पापा काम पे सोपे हैं, ठीक है ना, पापा काम पे सोते हैं। यह आएगा प्रोटोजोआ में, किसमें आएगा, पापा काम पे सोते हैं जो ट्रिकवा आएगा, यह आएगा प्रोटोजोआ में, किसमें आएगा, प्रोटोजोआ में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। पापा 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 काम 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 पे 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 सोते हैं, सोते हैं, सोते हैं, ये आएगा प्रोटोजोआ में, कवक में नहीं आएगा, कवक हम बता रहे हैं अभी, ठीक है ना। पापा 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 से क्या बना, जल्दी बता दो, पापा से बना पायरिया, क्या बना, पायरिया, क्या बना, पाय री या, पायरिया दांत में होता है जो ब्लड आने लगता है, पायरिया मसूरा में होता है। काम मतलब क्या बना, कालाजार, 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 का से कालाजार, का से काम पे सोते हैं, तो का से कालाजार, का से कालाजार, का से कालाजार, का से कालाजार। और कालाजार तुम लोग को सब में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें भी पढ़ेंगे कालाजार, जीवाणु में पढ़ेंगे, विषाणु में पढ़ेंगे, तीनों से होता है, ठीक है ना। कालाजार मुँह मतलब मरेलिया, मुँह मतलब मरेलिया, मुँह मतलब मरेलिया, मुँह मतलब मरेलिया, ठीक है ना। तो पाप मतलब क्या हुआ, पायरिया। पापा काम पे, पे मतलब पे चीज, पे मतलब पे चीज, पे मतलब पे चीज, पे मतलब पे चीज, पे मतलब पे चीज। और सोना मतलब, सोना मतलब, सोना मतलब निंद्रा, सोना मतलब नींद आ रहा, सोना मतलब क्या हुआ, नींद आ रहा, सोना मतलब क्या हुआ, नींद आ रहा, सोना मतलब सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में वो नहीं, सोना मतलब नींद आ रहा, यानी निंद्रा रोग, क्या, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। सब किससे होता, सब होता प्रोटोजोआ, किससे होता प्रोटोजोआ, किससे होता प्रोटोजोआ, तो बताओ पायरिया किससे होता है, बोल दो बच्चा, पायरिया, पायरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। काम मतलब कालाजार, कालाजार उससे भी हुआ था, कालाजार इससे भी हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है। मोमत मलेरिया, मोमत मलेरिया, मलेरिया जो होता है ना, मारा ना फ्रेंज मच्छर काटने से, आगे पढ़ाएंगे वो भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और पे मतलब पेचिस, पे मतलब पेचिस, इसको बोलते हैं अमीबी पेचिस बोलते हैं, ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। सो मतलब सोना, सोना मतलब निद्रा, निद्रा रोग, निद्रा रोग, यानी किसी को काट रहे हो जाएगा इला बीमारी, तो दिन में सुतर रहेगा, ठीक है, निद्रा रोग, कुकरण के नींद आने लगेगा, तो ये भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। और कवक से जो होता है ना, वो देखो कवक से जो होता है, उसका ट्रिक क्या है, उसका ट्रिक क्या है, तो उसका ट्रिक है, उसको बोलेंगे ए दाद खाज, क्या बोलेंगे, ए दाद खाज, ए दाद खाज, ए मतलब एथलीट, ए मतलब एथलीट, क्या बोल रहे हैं, एथलीट एंड माउथ लोड, ठीक है ना। तो एथलीट रोड बोलो या माउथ लोड बोलो, पशु में होता है, कहाँ होता है, पशु में होता है, एथलीट एंड माउथ लोड, यानी पशु के मुंह और पैर में होता है, ठीक है ना। तो एथलीट रोड हो गया, दाद मतलब क्या हो गया, दाद मतलब हो गया दाद, 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 यहाँ ध्यान दो, तो दा जो है, दा मतलब क्या हुआ, दा, दा मतलब हुआ दा, 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 दा मतलब होता है क्या, तो इसको बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं दाल, मतलब दाद खाज खुजली होता है ना, तो ये हो गया खाज मतलब क्या हो गया, खाज मतलब हो गया खुजली, क्या हो गया,
खुजली हो गया है, ठीक है। और दा मतलब हो गया दम्मा, बोल दो, क्या बोल दो, दम्मा। और एगो दाद खुद्य होता है, ठीक है ना। ये सब किससे होता है, ये सब होता है कबक से, क्या होता है, तो एथलीट दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली किससे होता है, कबक से, किससे होता है, दाद खाज खुजली। और दाद मतलब इससे लेना है दम्मा, क्या लेना है, दम्मा भी होता है इसी से, ठीक है ना, किससे होता है, इसी से होता है, इसी से होता है, कोई दिक्कत है। और खुजली 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 खाज मतलब खुजली, खुजली भी किससे होता है, इसी से होता है। और क्रीमी में क्या रखना है, फाइलेरिया, क्या रखना है, फाइलेरिया, जिसके हाथी पांव बोलते हैं, फाइलेरिया में तो तुम्हें देखता होगा परवा इतना मोटा हो जाता है, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होता है, इतना मोटा परवा हो जाएगा, उसके हाथी पांव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी पांव। तो ये किससे होता है, ये होता है क्रीमी, क्रीमी, क्रीमी से होता है, क्रीमी बहुत प्रकार का होता है, गोल क्रीमी होता है, गोल गोल रहेगा तो गोल क्रीमी, चपटा क्रीमी होता है, होता है चपटा रहेगा, इंची टेप के जैसे उसके बोलेंगे चपटा क्रीमी बोलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारा क्रीमी होता है, तो इस पढ़ लिए हैं, अब ये हम पढ़ लिए पूरा, आप लोग को याद हो गया, जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला, कवक से होने वाला यानी फंजाई से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला और क्रीमी से होने वाला पढ़ लिए हैं आप लोग। अब देखो अब क्या बोलेंगे, तो इससे यानी इससे बोले तो जीवाणु से होने वाला, विषाणु से होने वाला, कवक यानी फंजाई से होने वाला, प्रोटोजोआ से होने वाला, कृमि से होने वाला, ये सब रोग को क्या बोलते हैं, तो ये सबसे जब रोग होता है, इस सब कैसे हुआ, तो यानी इसके संक्रमण में हम आ गए तब हुआ, इसके संक्रमण में हम आ गए तब हुआ, इसको बोलेंगे संक्रमित रोग, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे संक्रामक रोग, यानी इससे जो रोग होता है उसको बोलते हैं संक्रामक रोग, क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो किसे बोलेगा, बोलेगा संक्रामक रोग किसे कहते हैं, सिंपल बोलना है कि सूक्ष्मजीव रोगाणु से, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं से, सूक्ष्मजीव रोगाणुओं से, सूक्ष्मजीव रोगाणु बोले तो जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ कृमि, तो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं से होने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहा जाता है। और जो सूक्ष्मजीव रोगाणुओं से न होता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, सिंपल, जो सूक्ष्मजीव रोगाणु से होगा उसे संक्रामक रोग कहेंगे, जो सूक्ष्मजीव रोगाणु से नहीं होगा उसे असंक्रामक रोग कहा जाएगा, ठीक है। चलो आगे मिटाते हैं इसको, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्या वो जो बताए थे ना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग जो बताया था, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया जो बताए थे उसमें याद रखना, यहाँ बताए थे क्या, पोस्ट प्लेग जिसे डिफ्रिया तो से तपेदिक, और यहाँ का मतलब हुआ काली खांसी, काला जार ना होगा, क्या होगा, काली खांसी होगा, ठीक है ना, काला जार वही होगा, काला जार बताए थे किस में, तो बताए थे पापा काम पे सोते हैं, पापा मतलब फायरिया, काम मतलब काला जार, तो वो होगा प्रोटोजोआ, क्या होगा, प्रोटोजोआ होगा। तो काला जार किस होता है, प्रोटोजोआ से यहाँ काली खांसी होगा, और यहाँ पर काम मतलब क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ का मतलब था कुष्ठ रोग, क्या होगा, कुष्ठ रोग, ठीक है ना। और टी मतलब टिटनस, न्यू मतलब निमोनिया है, मतलब है जहाँ बैटी मतलब बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया बताए थे ना, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बताए थे संक्रामक और संक्रामक लोग बता दिए ना। अच्छा, संक्रामक तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए, जितना भी बताए थे, जीवाणु सोने वाला रोग है ट्री बताए थे सब संक्रामक रोग है, विषाणु सोने वाला जितना ट्री बताए थे सब संक्रामक रोग है, जितना बताए थे कवक सोने वाला सब संक्रामक रोग है, जितना बताए थे प्रोटोजोआ सोने वाला सब संक्रामक रोग है, लेकिन असंक्रामक रोग का थोड़ा नाम बता दो, असंक्रामक रोग यानी जो सूक्ष्म जीव से नहीं फैलता, जो रोगाणुओं से नहीं फैलता है, असंक्रामक रोग, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, डायरिया याद रखना, ऐसे डायरिया आगे भी पढ़ाएंगे, डायरिया जो है जीवाणु से भी होता है, कालाजार नहीं होता है, ठीक है, मिस्टेक से बोल दिए, और विषाणु से भी होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, और प्रोटोजोआ से भी होता है, डायरिया होता है, ये याद रखना, ठीक है, डायरिया तीनों से होता है, ठीक है। डायरिया में क्या होगा, डायरिया में तुम्हारा पेट हो जाएगा फ्री, यानी बार बार आएगा पेशाब, बार बार पेशाब पखाना, पखाना आ रहा है, ठीक है ना, यानी पेट हो गया फ्री, और इतना पखाना आ रहा है, इतना पखाना होगा कि मतलब तुम हो जाएगा लूज मोशन हो जाएगा, ठीक है ना, सही में पानी कमी हो जाएगा, तो बोलता ORS पीने, ठीक है ना, और इससे व्यक्ति का मृत्यु तक भी हो जाता है, ठीक है ना। चलो, और संक्रामक रोग में तो वैसा रोग जो सूक्ष्म जीव से नहीं फैलता है, रोगाणुओं से नहीं फैलता, बोलते हो संक्रामक रोग, ऐसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे कैंसर, तो कैंसर जो है ना व्यक्ति को हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि उसके संपर्क में आएंगे तो हमको भी कैंसर आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव से नहीं फैलता है, ये कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, कोशिका विभाजन होता है तो हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा बड़ा होते हैं, बड़ा धीरे होते जाते हैं, लेकिन जब अनियंत्रित प्रकार के होने लगे जिस पर किसी कंट्रोल ना हो, तो उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर असंक्रामक रोग है। मधुमेह मतलब समझ रहा है, जिसको चिनिया बीमारी या डायबिटीज बीमारी या शुगर बीमारी जिसको हो गया, जरूरी थोड़े उसके साथ हम बैठे हैं, उठे हैं, सूते होते तो हमको भी चीनी बीमारी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या असंक्रामक है, क्या है असंक्रामक है। किसी को गया गठिया, क्या होगा, गठिया रोग हो गया, गठिया रोग होता है बुढ़ारी में, क्या यहाँ पर होता है बुढ़ारी में होता है, अब बुढ़ारी में किसी गठिया रोग हो गया है, ठीक है ना, अब उसको उठने में कर रहा है, बाप रे बाप, माए रे माए कर रहा है, तो हम उसके साथ सूतेंगे बैठेंगे, जरूरी थोड़े हमको गठिया हो जाएगा, यानी क्या असंक्रामक रोग, क्या है असंक्रामक रोग है, समझ तो आ गया ना। चलो आगे पढ़ते हैं संचारित रोग, क्या पढ़ते हैं,
संचारित रोग, क्या पढ़ते हैं संचारित रोग। संचारित रोग मतलब समझ रहा है, संचारित रोग मतलब हुआ क्या क्या क्या, संचारित रोग मतलब हुआ कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में, एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में, ठीक है ना, फैल जाए, यानी एक व्यक्ति में है उसको अन्य व्यक्ति में फैल गया, या एक समुदाय से अन्य समुदाय में फैल जाए, उसको बोलते हैं संचारित रोग। जैसे कोरोना भारी संचारित रोग था, पगलवा निकला चीन से, चीन के से निकला और पूरा वर्ल्ड में पूरा फैल गया, पूरा वर्ल्ड में फैल गया, ठीक है ना। तो ये क्या है संचारित रोग। संचारित रोग किसे कहेंगे, तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलता हो। किसके माध्यम से फैलता हो, तो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, रोगवाहक के माध्यम से, स्पर्श करने के माध्यम से फैलता हो, उसे बोलते हैं संचारित रोग। क्या बोलते हैं संचारित रोग, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैसा रोग। क्या बोलेंगे, बोलेंगे वैसा रोग, वैसा रोग, वैसा रोग, वैसा रोग जो 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 एक व्यक्ति से, एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति में, तुम लोग का भी इसका एग्जाम्पल तो कोरोना काफ़ी अच्छा जानता होगा, ठीक है ना। अन्य व्यक्ति में, अन्य व्यक्ति में, या एक समुदाय से, एक समुदाय, एक समुदाय से, एक समुदाय से अन्य समुदाय में, अन्य समुदाय में, अन्य समुदाय में, ठीक है ना। किसके माध्यम से, भोजन, 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 जल, 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 हवा, 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 स्पर्श, स्पर्श करने से भी, स्पर्श, या रोगवाहक, यानी रोग के ले जाने वाला वाहक, जैसे हम लोग को मलेरिया बीमारी होता होता मच्छर काटने से, मच्छर काटने से क्यों होता है आगे पढ़ाएंगे, कि मछला लेकर जाता है क्या अपना अपना सुर में, पता है सुर में ले जाता है प्लाइमोडियम नामक प्रोटोजोआ को ले जाता है, ठीक है ना। तो रोगवाहक या रोगवाहक के माध्यम से फैलता हो, माध्यम से फैलता हो, फैलता हो, फैलता हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संचारित रोग। क्या बोलेंगे, संचारित रोग बोलेंगे, संचारित रोग बोलेंगे। कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इतना हो गया, संचारित रोग हो गया। अब देखो संचारित रोग में क्या है, तो जितना भी संक्रामक रोग है ना, अधिकांश, जितना भी संक्रामक रोग है अधिकांश, क्या बोल रहे हैं, अधिकांश जो है क्या है, तो संचारित रोग है, ठीक है, संचारित रोग है, ठीक है। लेकिन 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 सब संक्रामक रोग संचारित रोग ना, ऐसे बोलेंगे टिटनस। क्या बोलेंगे, तो टिटनस जो है ना, ऐसा ना है कि टिटनस कैसे होता है पता है, तो कोई तुम्हारा शरीर का अंग जो है किसी जंग लगा हुआ लोहा से, ठीक है ना, तो जंग लगा हुआ लोहा लकड़ी उकड़ी से कट गया है, तो तुमको जाएगा टिटनस हो, तुमको टिटनस हो गया। तो ऐसा ना है कि कोई दूसरा संपर्क में तुम जाएगा तो उसको भी टिटनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि टिटनस रोग क्या है, तो वायरस से होता है और ये संक्रामक रोग है, लेकिन लेकिन ये संचारित रोग नहीं है। तो सभी संक्रामक रोग जो है संचारित रोग नहीं होता है, तो यहाँ नोट में लिख देना, ऐसा ना है कि सब होता है, हाँ 90% हो जाता है लेकिन सभी नहीं होता। तो क्या लिखना है, सभी संक्रामक रोग, सभी संक्रामक रोग संचारित रोग नहीं है, संचारित रोग नहीं है, संचारित रोग नहीं है, नहीं है। जैसे बोलेंगे सभी पुलिस, सभी पुलिस, सभी आदमी पुलिस नहीं है, बिल्कुल सब आदमी पुलिस थोड़े है, लेकिन सभी पुलिस आदमी है ना, हाँ। तो बोलेंगे क्या, सभी संचारित रोग संक्रामक है, लेकिन 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 क्या बोलेंगे, लेकिन सभी सभी संचारित रोग, क्या बोलेंगे, सभी संचारित रोग क्या है, तो संक्रामक जरूर है, संक्रामक जरूर है, ठीक है ना। अब बताए थे जल से फैलने वाला रोग कौन है, तो जल से फैलने वाला रोग बताए थे कौन है, बताए थे हैजा, हैजा को बोलते कोरेला, क्या बोलते कोरेला, बोलते करेला नहीं कोरेला, ठीक है ना। उसी में क्या बताए थे, क्या हेपेटाइटिस, क्या बताए थे हेपेटाइटिस को ही बोलते जॉन्डिस, क्या बोलते हैं, तो ये जल से फैलता है, कैसे फैलता है, इन्फ्लुएंजा, किससे फैलता है, जल से फैलता है, ठीक है ना। उसी पर क्या बोलेंगे, क्या तो उसी पर क्या बोल देंगे, आप हैजा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है ना। और बोलेंगे तो हो जाएगा डायरिया भी हो जाएगा, ये भी डर, ये भी जल के माध्यम से फैलता है, तो जल से माध्यम से हो गया। हवा से फैलने वाला कौन हो गया, तो हवा से बताए थे क्या हो गया, तो हो गया काली खांसी, क्या हो गया काली खांसी हो गया, हवा से फैलने वाले, हवा से फैलने वाला, ठीक है ना, दूषित हवा से फैलता है। दम्मा हो गया, क्या दम्मा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। उसी प्रकार दूषित भोजन से फैलता है, ठीक है ना। तो संचारित रोग कहते हैं, संचारित रोग कहा जाता है, ठीक है ना। और रोगवाहक से फैलता है, जैसे बोलेगा क्या प्लाइमोडियम मलेरिया बीमारी जो फैलता है, वो मादा एनाफिलाज के काटने से हम लोग को फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि मादा एनाफिलीज में वो अपना मुंह में ले चलता है, डांस में ले चलता है, अपना सुर में ले चलता है, किसको, मादा एनाफिलीज ले चलता है, किसको, तो चलता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम को, ठीक है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। इतना तो बीमारियाँ हो गया, बीमारियाँ का इलाज करने के लिए क्या चाहिए, इलाज करने के लिए चाहिए ना, इसमें जो कुछ बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलाज करेंगे, क्या कारण है, क्यों फैलता है बीमारी, कुछ बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अब क्या, देखते हैं कि इसका मतलब इलाज कैसे है। तो इलाज करें होने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका हुआ है टीका, क्या है, टीका का खोज जब तक नहीं हुआ तब तक भारी दिक्कत है। जैसे अभी कोरोना वाली बीमारी में सब पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया टीका के खोज में लग गया, यानी वैक्सीन की खोज में। टीका मतलब होता है टिक्का लगाना, यूलन है, वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन मतलब सुईबा, सुईबा जब मिल जाता है तो समझो कि उस बीमारी पर कंट्रोल स्थापित किया जा सकता अब है,
ठीक है ना। और कोरोना पर भी जो नियंत्रण स्थापित हो गया जब टीका का खोज हुआ तब। तो टीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीका को बोलते हैं वैक्सीन, क्या बोलते हैं। तो पहला जो है कौन सा बीमारी का वैक्सीन का खोज हुआ, ठीक है ना, कौन सा बीमारी का टीका का खोज हुआ। तो टीका का खोज देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब देखेंगे टीका, क्या देखेंगे टीका, टीका बोलते हैं वैक्सीन, क्या बोलते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन में जो पहले जो टीका का खोज हुआ, पहले जो वैक्सीन का खोज हुआ उसका नाम क्या था, उसका नाम था चेचक का टीका। कैसा खोज हुआ, चेचक का टीका का खोज हुआ, चेचक का टीका का खोज हुआ था। और याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा चेचक का टीका का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक का टीका का खोज। तो पूछेगा बता टीका, पहली बार टीका का खोज किसने किया, बना एडवर्ड जेनर ने किया था। पहली बार किस बीमारी का टीका का खोज हुआ, तो चेचक क्या हुआ था, किससे हुआ था, चेचक का हुआ था, वायरस से होता है। और चेचक का खोज, चेचक के टीका का खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया, किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। कैसे किया था पता है, तो एडवर्ड जेनर देखा था कि गाँव में जो है चेचक हो रहा है, चेचक मतलब समझता है मुँह में हो जाएगा, बराबर पथी उथी हो जाएगा, पूरा शरीर में हो जाएगा, फैल जाएगा तुरंत, और सात से आठ दिन का समय होता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते चेचक, क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। तो एडवर्ड जेनर देखा था कि जो मतलब गैया है उसका गाँव में मतलब दो तीन गाय दोने वाला था, तो गाय वाला देखा कि गाय दोने वाला जो है उसको चेचक ना हो रहा है, बाकी पूरा गांव में चेचक हो गया है और गाय दोने वाला चेचक ना हो रहा है, की कारण है। तो जब पता लगा, या वैज्ञानिक तरीका से सोचना शुरू किया, पता चला कि गाय को हो ले चेचक और उसी के संपर्क में दिन भर रहता है, तो उसके संपर्क में रहने पर क्या हुआ, इसमें एंटीबॉडी बन गया, क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया, ठीक है ना। एंटीबॉडी मतलब इसका बॉडी जो है उतना मतलब सक्षम हो गया है कि अब उस वायरस से लड़ सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको ना हो रहा है, तो दिमाग लगाया कौन, एडवर्ड जेनर बा, एडवर्ड जेनर दिमाग लगाया कि अरे इसके में बन गया है क्या, इससे बन गया एंटीबॉडी, अगर इसी का यानी बीमारियाँ जो चेचक बीमारियाँ, इसी का मतलब सिस्टम लेके, सिम्पटम लेके, लक्षण को लेके अगर हम बना दें, क्या टीका बना दें, किसी दूसरा शरीर में दे दें, तो उसके बीमारी ना होगा। अभी जो कोरोना बीमारियाँ था, क्या था कोरोना बीमारियाँ, क्या होता था, जिसको एक बार कोरोना हो गया उसका लेता था ब्लड, क्या लेता था, ब्लड को लेता था, ठीक है ना, उसका प्लाज्मा को लेता था, प्लाज्मा थेरेपी द्वारा, उसका प्लाज्मा ब्लड में होता है प्लाज्मा लेके, उसी से बनाता था क्या वैक्सीन। तो वैक्सीन जो बनता है, टीका जो बनता है ना, जो बीमारी लोहा लोहा को काटता है, यानी जो तुम्हारा बीमारियाँ हुआ है उसी को जीवाणु लेगा, उसको मार मार के बना देगा क्या, टीका बना देगा, वह तुम्हारा शरीर में देगा, भोग देगा, तो शरीर में तुमको भोग देगा, तो वो तुम्हारा बन जाएगा एंटीबॉडी बन जाएगा। जब नया आएगा, नेका नेका आएगा, तुम्हारा शरीर में घुसने आएगा कोई वायरस, बोलेगा हम पहले से आ जाए, मार का चटाक से घुलट जाएगा, ठीक है ना। तो पहला बार जो है टीका का खोज किसने किया था, चेचक, तो कर दिया कौन, एडवर्ड जेनर ने कर दिया था, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोला जाता है, एंटीबॉडी बोला जाता है, यानी वैसा जो बीमारी से लड़ने के लिए बीमारी से लड़ने के लिए जो मतलब स्वतंत्र होता है, जो बीमारी से लड़ सकता है, ठीक है ना, हमारे शरीर में उसको डालने पर बीमारी से लड़ सकता है, उस बीमारी से लड़ सकता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में देख लिए, अब पढ़ते हैं बारी बारी से, ठीक है ना, कुछ बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ बीमारी के बारे में अब पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं मलेरिया, क्या पढ़ते हैं, मलेरिया पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी जो बनाया गया, याद रखना, एंटीबॉडी जो बनाया गया पहले, वो बनाया गया किससे, तो बनाया गया है पेनिसिलियम नामक एक कवक है, तो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया, पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया गया, ठीक है ना। अब रहता है मलेरिया, तो मलेरिया आप लोग को पता है कि मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर, माना एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा काटता तब होता है, नर नहीं काटता बेचारा, नर बोले बढ़िया ईमानदार होता है, मादा यानी लेडीज वाला, ठीक है ना, मच्छर काटता क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटना होता है मलेरिया, क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर को काटना होता है मलेरिया होता है। और मलेरिया फैलता किसके द्वारा, प्रोटोजोवा के द्वारा, ठीक है ना। प्रोटोजोवा कहाँ पाया जाता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर के सुराम पाया जाता है, ठीक है ना। और प्रोटोजोवा का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, इसी के काटने से होता है मलेरिया। क्या होता है मलेरिया, होता है हम लोग का जाता है बुखार, क्या होता है बुखार। मलेरिया को मतलब इलाज क्या है, तो मलेरिया का इलाज जो है, तो एक होता है क्या, तो एक होता है कुनेन, क्या होता है, कुनेन नामक औषधि, याद रखना, डायरेक्ट पूछता है कुनेन नामक औषधि जो प्राप्त होता है, वो होता है सिनकोना के छाल से, कैसे होता है, सिनकोना के छाल से हमें प्राप्त होता है, क्या, तो छाल से प्राप्त होता है कुनेन नामक औषधि प्राप्त होता है, और ये जो है मलेरिया का इससे उपचार किया जाता है। यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, भी आई मार लो। अच्छा, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया में जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत, क्या होता है, यकृत को ही बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर, या इसी को बोलते हैं जिगर, ठीक है ना। एवं आरबीसी प्रभावित होता है, आरबीसी बोले तो लेड ब्लड कॉर्पल्सस, यानी लाल रक्त कणिका हम लोग के खून में होता है, वो तो लाल होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है ना, तो आरबीसी प्रभावित होता है। तो मलेरिया के बारे में पढ़ लिए, आप पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में, पढ़ते हैं क्या, तो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं डायरिया, क्या पढ़ते हैं, डायरिया।
तो डायरिया बारे में बता दें, डायरिया क्या है, तो डायरिया क्या है, बार 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 पखाना होना, ठीक है ना, बार बार मतलब पेट फ्री हो जाना, ठीक है ना, डायरिया करता है, क्या कराता है, डायरिया कराता है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, बार बार, क्या बोलेंगे, बार बार, दिन में मतलब दिन भर में मान लो 20 बार चल गया, ठीक है ना, तो बार 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 पखाना क्या होना, पखाना होना, पखाना होना क्या कहता है, डायरिया करता है, क्या कहता है, डायरिया कहलाता है, ठीक है। डायरिया में क्या होगा, पूरा शरीर में लूज मोशन हो जाएगा, पूरा शरीर में जल का कमी हो जाएगा और तुमको इससे मृत्यु भी हो सकता है, बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। डायरिया किसे फैलता है, जीवाणु से भी फैलता है, विषाणु से भी फैलता है, और प्रोटोजोवा से भी फैलता है, प्रोटोजोवा से भी फैलता है। डायरिया किसे फैलता है, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोवा, जीवाणु विषाणु प्रोटोजोवा, जीवाणु से फैलेगा तो डायरिया इसको बोलते हैं, ठीक है ना। जीवाणु में होता है ई कोलाई, कौन जीवाणु होता है, ई कोलाई नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है ना। और विषाणु से फैलेगा तो उसको बोलेंगे क्या, विषाणु से फैलेगा तो उसको बोलेंगे विषाणु डायरिया, क्या बोलेंगे, विषाणु डायरिया, ठीक है ना। अब प्रोटोजोआ से फैलेगा तो उसको बोलेंगे अमीबी पेचिस, क्या बोलेंगे, अमीबी पेचिस, क्या बोलेंगे, अमीबी पेचिस, ठीक है ना। तो चलो डायरिया बारे में देख लिए, डायरिया में क्या होता है, जल में, डायरिया में क्या होता है, जल में, जल का शरीर में अभाव हो जाता है, जल का शरीर में क्या होता है, शरीर में अभाव हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो जल ही निकल रहा है, अभाव हो जाता है, तो क्या होता है, इससे व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। तो बोलता है हम लोग को ORS का घोल पीना, ORS का घोल पीना, ORS मतलब क्या होता है, ORS के घोल में क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, और पानी में क्या मिलाता है, चीनी मिलाता है, और चीनी मिला के नमक बना मिलाता है, क्या मिलाता है, नमक, जिससे क्या होता है, जो हमारा शरीर में जल का कमी जो दूर हो गया तो उसको फिर पूर्ति होता है, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो डायरिया के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, फटाफट पढ़ के निकलते हैं, फटाफट, अब कोई दम ना, चलो। तो डायरिया क्या पढ़ लिया, डायरिया हम पढ़ लिए, डायरिया पढ़ लिया था ना। अच्छा, डायरिया में क्वेश्चन और बोलता है कि डायरिया का जो कौन अभिवा अति कौन प्रोटोजोआ फैलता है, डायरेक्ट नाम पूछ जाता है, तो डायरिया में बोलना है कौन प्रोटोजोआ फैलता है, तो प्रोटोजोआ फैलता है कौन सा, तो ऐसे जीवाणु से भी फैलता है, विषाणु से भी फैलता है, लेकिन डायरिया कौन प्रोटोजोआ फैलता है, तो बोलना है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या बोलना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, क्या बोले हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। डायरिया के बारे में पूछो किसमें, तो डायरिया के बारे में पूछो, पहुँचो हम टाइफाइड में, कैसे पहुँचना, टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है, पता है बुखार है, क्या टाइफाइड, बुखार होता है, ठीक है ना, जिसमें पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, पूरा शरीर धिप धिप जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या टाइफाइड, टाइफाइड कैसे फैलता है, तो टाइफाइड जो फैलता है ये आँत को प्रभावित करता है, किसको किसको प्रभावित करता है, आँत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड फैलता है किससे, तो टाइफाइड फैलता है वही बैक्टीरिया से ही फैलता है, कैसे फैलता है, बैक्टीरिया से ही फैलता है, बताए थे आप लोग को, पढ़ाए थे ना, पंडित पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, पंडित का टीका बताए थे, पंडित का टीका, पंडित का टोसेटाफाइड बताए थे, और टोसेटापेडिक बताए थे, टोसेटापेडिक भी होता है, और टोसेटाफाइड भी बताए थे, क्या बताए, टाइफाइड, तो उससे होता है, बैक्टीरिया से फैलता है, यह आँत को प्रभावित करता है, और टाइफाइड में क्या होता है, तो बताइए किया था, टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में जो होता है वो कहते हैं बुखार रहता है, यह आँत को प्रभावित करता है। अब बताए कौन बैक्टीरिया से होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो बोलना है क्या, सलमोनेला टाइप, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सलमोनेला टाइप, सलमोनेला टाइप, बोलो पाँच बार, सलमोनेला टाइप, सलमोनेला टाइप, सलमोनेला टाइप, सलमोनेला टाइप, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका डायरिया, सलमोनेला टाइप टाइफाइड, सलमोनेला टाइप टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, किसको प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है, बस इतना याद रखो इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे कहाँ पर, आगे बढ़ेंगे पहुँचेंगे टीबी, क्या पूछ, किसे पहुँचेंगे, टीबी, 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 टीबी बताते पंडित का, तो टी पंडित, तो मतलब बता दें तपेदी, तपेदी कोई बोलते टीबी, टीबी कोई बोलते यक्षमा, यक्षमा कोई बोलते छायरो, इसका आयन नाम क्या है, तो आयन नाम देखो इसका, टीबी का आयन नाम, ठीक है ना। तो आयन नाम पहले देख लो, तो टीबी को ही बोलते तपेदी, क्या बोलते हैं, तपेदिक, या इसी को बोलते हैं यक्षमा, क्या बोलते हैं, यक्षमा, या इसी को बोलते हैं क्षय रोग, क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है ना। या टीबी को ही बोलते हैं टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, बता रहे हैं। टीबी का पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है, टी से ट्यूब, क्या होता है, टी से ट्यूब, ट्यूबर क्लोसिस पूछेगा, टीबी को क्या बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबर, ट्यूबर, बर, बर, क्लोसिस, तो हिंदी में लिख देते हैं ट्यूबर क्लोसिस, ट्यूबर क्लोसिस, क्या होता है, ट्यूबर क्लोसिस होता है, ठीक है ना। और ट्यूबर ये किससे होता है, तो होता है जीवाणु, कैसे होता है, जीवाणु से, कैसे फैलता है, ये फैलता है जीवाणु से, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है, कौन बैक्टीरिया होता है, तो इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस, क्या बोलना है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रो
बैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम, और यही लगा दो ट्यूबल क्लोसिस, ट्यूबल क्लोसिस। पूछेगा टीबी कैसे होता है, तो माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबल क्लोसिस होता है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबल क्लोसिस से होता है, ठीक है ना। और ये भी जो है ये क्या है, ये संचारित रोग है, यानी हवा से माध्यम से ही फैलता है, हवा से माध्यम से फैलता है। और टीबी का अगर बताएं, टीबी का जो उपचार बताएं, तो टीबी का उपचार के लिए जो है डॉट्स का प्रयोग कहता है, डॉट्स, डॉट्स इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, डॉट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, डायरेक्टरी क्या होता है, डायरेक्टरी डॉट्स क्या है, टीका है, किसका टीका है, तो टीबी का टीका है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे डॉट्स को बोलेंगे डायरेक्टरी, डी से डायरेक्टरी, डायरेक्टली, ओ से ऑब्जर्व्ड, ओ से ऑब्जर्व्ड, ओ से ऑब्जर्व्ड, और टी से ट्रीटमेंट, टी से ट्रीटमेंट, टी से ट्रीटमेंट, और एस मतलब शॉर्ट्स, क्या होगा, शॉर्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है क्या, होता है डॉट्स का फुल फॉर्म, डॉट्स का फुल फॉर्म शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स, शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है ना। तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट्स क्या है, टीबी का टीका है, टीबी हो जाएगा तो डॉट्स नामक टीका लगाता है, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टरी ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है ना। अब बच्चा में टीबी ना हो, बच्चा में टीबी ना हो, ठीक है ना, बच्चा जो है बड़ा होकर टीबी ना हो जाए, उसके लिए टीका लगा देता है, बच्चा में टीका लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं BCG, क्या बोलते हैं, BCG, क्या बोलते हैं, BCG। अब BCG फुल फॉर्म क्या होता है, होता है इसका होता है बेसिलस, क्या होता है, बेसिलस, ठीक है ना। सी से कोलमेट, चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं, बेसिलस कोलमेट, जी फॉर ग्यूलिन, ठीक है ना। ये कब लगाता है, तो बच्चा में लगता है, ठीक है ना, बच्चा में होता है, बच्चा होता है तो 5 से 6 महीना, तो उसको बहुत सारा टीका पड़ता है, खसरा का टीका, पोलियो का टीका, टीबी का टीका, तो टीबी का टीका जो होता है उसको नाम है BCG। और BCG क्या बोलते हैं, बोलते हैं बेसिलस कोलमेट ग्यूरिन। तो टीबी बारे में इतना याद रखना, टीबी बारे में इतना ध्यान रखना। और ये जो है ये चिरकारिक रोग है, चिरकारिक रोग मतलब एक बार हो गया तो बहुत लंबा समय तक इसका इलाज चलता है, बहुत लंबा समय तक इसका इलाज चलता है। और ये प्रभावित किसको करता है, प्रभावित अंग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, कैसे करता है, फेफड़ा को करता है, यानी श्वसन संबंधी बीमारी उत्पन्न करता है, तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो टीबी बारे में पढ़ लिए हैं, अब आगे बढ़े तो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो आगे पढ़ते हैं रेबीज के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, रेबीज, किसके बारे में पढ़ते हैं, रेबीज, इंक भी चलना बंद हो गया लेकिन अब लास्ट है, रेबीज। तो रेबीज क्या है, रेबीज बताए थे रचना से आ रहे मतलब रेबीज मतलब वायरस, ठीक है ना। तो ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस बोले तो विषाणु से होने वाला रोग है। कौन विषाणु से होता है, कौन वायरस से होता है, तो रेबडो वायरस, किससे होता है, रेबडो वायरस से होता है। रेबीज किससे होता है, रेबडो वायरस से होता है, ठीक है ना। रेबीज किसके काटने से होता है, तो मलेरिया होता है माना एनाफ्रिज मच्छर काटने से, और माना एनाफ्रिज मच्छर उसका वाहक होता है, उसी प्रकार रेबीज का वाहक कौन होता है, तो होता है कुत्ता, कौन होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ज़्यादा कुत्ता होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गया, ठीक है, चमगादड़ हो गया, गिरहली हो गया, ठीक है ना। और क्या तो और बोल सकते हैं, क्या तो और बोल सकते हैं, गीदर हो गया, ये सब क्या है, ये सब इसका बाहक क्या है, बाहक है, क्या है, बाहक, यानी ये सब काटेगा तो हो जाएगा कौन सा रोग, रेबीज हो जाएगा। हमको कुत्ता 3 बार काट चुका है, ठीक है ना, और जब कुत्ता काटेगा ना तो थोड़ा पेट में 15 सुइया भोगता है, अब तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इलाज हो गया, अब उतना ना होता है, लेकिन 15 हमको 15 सुइया भोगता था, 3 बार हमको कुत्ता काटा था, ठीक है ना। तो रेबी नामक हो जाएगा, इलाज करवाएगा तो रेबी नामक बीमारी हो जाएगा, जो कुत्ता बिल्ली चमगादड़ गिरहली गीदर इत्यादि के काटने से होता है, ठीक है ना। और जो कौन वायरस से फैलता है, तो रेबडो वायरस से फैलता है, और इससे जो बीमारी होगा उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिया, क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होगा, क्या होगा, रेबीज काटने से और होता है क्या, तो हाइड्रोफोबिया नामक, रेबीज जिसको बीमारी हो गया उसको जगह हाइड्रोफोबिया, रेबीज जिसको बीमारी हो गया उसको जगह हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया बोले तो हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डरना, हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डरना, यानी जल से डर लगेगा, जल के पास जैसे जाएगा तो डरेगा, जल को देखकर उसको एकदम पूरा एकदम डरेगा, ठीक है, जल के पास जैसे जाएगा तो उछल के भागेगा, जल से उसको बहुत डर लगता है, जिसको हो जाता है रेबीज नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो पूछेगा हाइड्रोफोबिया किससे होता है, तो रेबीज नामक बीमारी में होता है, ठीक है, जल से इसमें डर लगता है, ऐसे 15 सुइया भोगता है पेट में, ठीक है, इसका इलाज के लिए 15 सुई पेट में भोका जाता है। तो चलो पढ़ लिए रेबीज के बारे में भी पढ़ लिए, वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा कुछ और बचा है, जैसे बचा हुआ क्या, तो जैसे बचा हुआ है क्या, तो जैसे बचा हुआ अभी एड्स बचा हुआ है, कौन बचा है, एड्स बचा हुआ है, पोलियो बचा हुआ, तो एड्स और पोलियो के बारे में जानते हैं। तो चलो देखते हैं एड्स क्या, देखते हैं एड्स, AIDS, एड्स पहले देख लो, एड्स क्या है, तो एड्स मेरा वायरस से होने वाला रोग है, किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना, किससे होने वाला रोग है, तो ये वायरस से होने वाला
रोग है। ओयर्स का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछता है, तो एयर्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, और रेबीज जो है किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एयर्स का फुल फॉर्म होता है एक्वाइल्ड, क्या होता है एक्वाइल्ड, ये याद रखना, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, एक्वाइल्ड होता है आई फॉर इम्यूनो, आई फॉर इम यू नो इम्यूनो, डी फॉर डिफिशियंसी, डी फॉर डिफिशियंसी, और एस फॉर सिंड्रोम, एस फॉर सिंड्रोम। तो क्या होता है, तो इसका हो गया क्या मेरा, तो इसका हो गया है पूछेगा एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलना है, बोलना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किससे होता है, तो वायरस से, किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है ना। एयर्स आयर्स जो है ना, एयर्स जो है मतलब बीमारी ना है, बीमारी के घर है, एयर्स जो है बीमारी नहीं, क्या है, बीमारी का घर है। पूछेगा कौन वायरस से होता है, वायरस से होता है, तो कौन वायरस से होता है, तो बोलना एच आई वी वायरस, क्या बोलना है एच आई वी वायरस बोलना है। एच आई वी वायरस फुल फॉर्म क्या होता है, एच आई वी वायरस का फुल फॉर्म होता है एस से ह्यूमन, एस से ह्यूमन, एस से ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर डिफिशियंसी स्टूडेंट छोड़ देता है ना, एस से ह्यूमन, और आई मतलब, आई से मतलब क्या, तो पूरा इम्यूनो डिफिशियंसी, और भी मतलब वायरस, भी मतलब वायरस, वायरस मतलब वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है ना। और एयर्स रोग जो है बड़ी खतरनाक हो रहा है, ये रोग नहीं है, रोग का घर है। एयर्स होगा तो पूरा शरीर को कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा, इतना कमजोर कर देगा कि तुमको अन्य कोई बीमारी हो गया तो ज़िंदगी भर तुमको साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, यानी तुमको और बहुत सारा बीमारी होने लगेगा, ठीक है ना। तो एयर्स कैसे होता है, तो एयर्स होता है जब 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 असुरक्षित, क्या बोलेंगे, असुरक्षित यौन संबंध होता है, ठीक है ना, यौन संबंध होता है, ठीक है ना, यानी यौन संबंध तो समझ रहा है, पति पत्नी रिलेशन में रहता है, पति पत्नी जब शादी करता है तो मान लो कि दोनों तो ठीक है कर रहा है, अथी रिलेशन में है, लेकिन लेकिन अगर मान लो कि मतलब होता है ना, कितना लोग मतलब इधर उधर चल जाता है, ठीक है, चकर पकड़ करने में, और वो सुरक्षित किया, कंडोम वंडोम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है कौन, तो ये वाला एड्स होने का संभावना होता है। एड्स होने का और क्या संभावना है, तो मान लो किसी का हो ले, क्या किसी को एड्स हो ले, क्या है, किसी को एड्स हो ले, ठीक है ना, और उसका हम ब्लेड से, उसका ब्लेड का इस्तेमाल हमको दाढ़ी बनाने, मोछ बनाने, बाल बनाने में कर दिया, या उसको जो सुई भोगा था वही सुई का इस्तेमाल हमारे में कर दिया, तो हमको भी हो सकता है, जरूरी ना है कि हमेशा यौन सुरक्षित से होता है, यौन असुरक्षित से होता है, ये जिसको ब्लेड होती एड्स हो ले, अगर उसको ब्लेड का इस्तेमाल कर दिया, सुई से इस्तेमाल कर दिया, उसको गोदना गोने में सुई का इस्तेमाल कर दिया, तो उससे होगा, तो फिर तब भी ये होता है, ठीक है ना। तो ये पढ़े एड्स के बारे में, अब बचा है क्या, तो अब बचा है तो पोलियो, क्या बचा है, पोलियो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अब क्या पोलियो के बारे में, वैसे इसके बारे में और कुछ पॉइंट है तो लिखवा देंगे, पॉइंट तो अब ऐसे ना इसमें बचा हुआ है, ठीक है ना। इससे पूछेगा इससे बचने का क्या उपाय है, तो बचने का उपाय है कि मतलब जो संक्रामक व्यक्ति है उसका सुई है, उसका ब्लेड इस्तेमाल किया गया, तो उससे दूर रहना है, ठीक है ना, तो उस बीमारी से इससे क्या दूर रहना है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पोलियो क्या रखते हैं, तो पोलियो 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 क्या रखते हैं, पोलियो, तो पोलियो देखते हैं, पोलियो क्या होता है, पोलियो फैलता है पोलियो वायरस से, किससे फैलता है, इसका नाम है पोलियो वायरस, पोलियो वायरस इसका नाम है, ठीक है ना। और भारत जो है पोलियो से क्या हुआ, पोलियो से मुक्त हो चुका है, ठीक है ना, भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है। और पोलियो क्या होता है, पोलियो एक प्रकार का लकवा है, ठीक है ना। पोलियो होने पर क्या होता है, वो अंग काम करना बंद कर देता है, यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, वो अंग काम करना बंद कर देता है, और फिर वो लकवा की तरह हो जाता है, और पोलियो के जो इसको हो जाता है उसको तो मतलब इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी के द्वारा, क्या बोलेंगे, फिजियोथेरेपी के द्वारा थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सुधार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार पूरा खत्म हो गया है, और कुछ बचा हुआ है तो देख लेते हैं, अगर नहीं बचा हुआ तो छोड़ देते हैं। तो चलो पोलियो के बारे में पढ़ लिए हैं, और अभी भारत में जो है प्लस पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये पढ़ लिए हैं। और टीवी बारे में पढ़े तो टीवी दिवस मनाया जाता है, कब, 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीवी दिवस के लिए वो थीम है, क्या है, नो टीवी, KNOW, नो मतलब जानो टीवी, टीवी बारे में जानेगा तो नो टीवी होगा, यानी नहीं टीवी होगा, ये क्या है, ये इसका है थीम है, यानी एक नारा है, स्लोगन है, ठीक है ना। और लेते हैं हेपेटाइटिस से बचा हुआ, तो हेपेटाइटिस जान लेते हैं, हेपेटाइटिस को ही बोलते हैं जॉन्डिस, क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोला जाता है, हेपेटाइटिस को ही बोलते हैं जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, इससे पूरा शरीर जो है पीला हो जाता है, आँख का रंग पीला हो जाता है, ठीक है ना। और ये किससे होता है, दूषित जल से, किससे होता है, दूषित जल से फैलता है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है किससे फैलता है, ये फैलता है किससे, तो फैलता है वायरस से, किससे फैलता है, वायरस से फैलता है, ट्रिक में देखना, वायरस से फैलता है, कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस जो वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस बहुत प्रकार का होता है, जैसे ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी इत्यादि प्रकार का होता है, क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है। और ये प्रभावित करता है किसको, तो ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, किसको करता है, यकृत को प्रभावित करता है, यकृत बोले तो जिगर को प्रभावित करता है, और जिगर में पाया जाता है पित्त, क्या होता है, और पित्त में पाया जाता है बिलुरुबिन, पित्त में होता है बिलुरुबिन, क्या होता है,
तो पित्त में होता है बिलीरुबिन। क्या होता है? बिलीरुबिन होता है जो हमारा क्या करता है, जो हमारे शरीर को आग के रंग को पीला कर देता है। इस प्रकार तुम्हारा चैप्टर ये हुआ खल्लास। बताना कहीं डाउट होगा तो बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। जितना तुम लोग मोटिवेट करेगा हमको उतना जल्दी वीडियो डालेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।